मेरा नाम केके उपाध्याय है और मैं एक हमेशा क्रिकेट खेलने के बाद अपने आप को एक छोटा खिलाड़ी ऐड करता हूँ कि मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ। भाई इंडिया मटेरियल था तो किस्मत में नहीं था, सरकारी मुलाजिम है रेलवे में चीफ टिकट इंस्पेक्टर के पद पे, जो क्रिकेट ने दिया दोबारा उसको लौटाने की कोशिश कर। धोनी से जो मैंने जो सीखा मैं रहा हूँ, जितने समय उनसे बात की है तो मैंने एक ही चीज देखी कि बहुत अलग हटके सोचते हैं, बहुत चीजें हैं। तो बेसिकली मैं आउटस्विंगर बॉलर था और जो मेरी क्रिकेट में गेंदबाजी में रोजी रोटी थी वो आउटस्विंग थी। हिंदुस्तान के अंदर लगातार 140 से 145 के बीच में अगर कोई बॉल कर रहा है मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बिना खेले रह जाए। मैं मानता हूँ कि चलो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आज से नहीं बहुत पहले से हावी है कि आप 140-45 फेंक रहे हो पर फेंक रहे होगे एक उधर विकेट पे एक उधर गांव की तरफ तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। धोनी को छोड़ दिया जाए, सौरव गांगुली जैसा कप्तान हिंदुस्तान को आज तक मिला ना मिलेगा। तो मैंने आशीष नेहरा को एक ऐसा देखा मैंने, कभी मैंने उनसे बात की है, कभी मैंने मैसेज किया होगा, उनका तुरंत रिप्लाई आया। और जैसे आप रेलवे में रणजी टीम के सेलेक्टर हैं, कायदा क्या है कि जब आप जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो तो वहाँ जॉब होना कंपलसरी। मेरा इसमें केवल सिलेक्शन का काम रहता है। अभी मेरे को नया मिला था आरआर के लिए, नेट बॉलर सेलेक्ट करने थे, सब कुछ बढ़िया, एक लड़का आएगा धोनी उसे आउट कर लेते। यार धोनी पोनी कितने आए, 300 कौन बनाएगा, बॉलर है, बहुत बुरी मार मारे थे 50 ओवर का मैच, तब पहली बार पता चला कि कौन है धोनी। तो वहाँ एनएल डोनाल्ड ने फर्स्ट टाइम मुझे देखा था, बहुत तेज फेंक रहा था उस समय, पीक टाइम पे था, अच्छा खासा तेज फेंक रहा था। आप बिलीव करिए कि जब मेरे को पुणे वॉरियर्स में लिया गया था ना तो उनका कोई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उस प्लेयर का नाम नहीं लूंगा मैं, उसको भी पैसा दिया और मुझे लिया, उसको निकाला। नारा टीवी पर आप सबका स्वागत है। क्या आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं? इंडिया के लिए खेलने का सपना आपके भी दिमाग में पल रहा है, पता नहीं है कैसे स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करें? तो जरा ठहरिए, ये पॉडकास्ट आपके लिए बड़े काम का होने वाला है। आज नारा टीवी के इस स्पेशल सेशन में आपके साथ जुड़ रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर, वर्तमान में क्रिकेट कोच और आईपीएल में नट गेंदबाजों के सिलेक्टर केके यानी कृष्णकांत उपाध्याय जी। नारा टीवी की टीम ये इंटरव्यू शूट करने केके जी के घर यानी आगरा पहुंची थी, जिसमें विशेष भूमिका रही नारा टीवी की टीम से प्रशांत पाल जी की। क्रिकेट और क्रिकेटर्स को लेकर के बहुत सी बातें केके जी से हुई हैं। बहुत ही मेहनत करके हम ये पॉडकास्ट आपके लिए लेकर के आए हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो चलिए देखते हैं। वेलकम नारा टीवी पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आप मेरे पास आए, और प्रशांत जी मैं बहुत आपका शुक्रिया करूंगा क्योंकि जिस मोटो से आप मेरे पास आए मैं उसके लिए तैयार हूँ। और सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं नारा टीवी की टीम के भी हैं, ऑडियंस के भी हैं, तो सबसे पहले तो कुछ अपने बारे में बता पाए आप तो बढ़िया रहेगा। सबसे पहले कि मेरा नाम जैसे आप जानते ही हैं उसमें दे भी देंगे कि मेरा नाम केके उपाध्याय है और मैं एक हमेशा क्रिकेट खेलने के बाद अपने आप को एक छोटा खिलाड़ी ऐड करता हूँ कि मैं बहुत छोटा खिलाड़ी हूँ, क्योंकि मैं कभी अपने आप को उस लहजे से ऊपर नहीं जाने देता कि मैं बड़ा होके या वो ना हो, तो मैं हमेशा शुरुआत ही करता हूँ छोटे। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप छोटा खिलाड़ी क्यों बोलते हो, मैंने कहा मैं अगर मैं इंडिया भी खेलता तब भी मैं छोटा खिलाड़ी होता, तो मैं इंडिया छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सभी खेला हूँ, आईपीएल खेला हूँ, रणजी ट्रॉफी खेला, सेंट्रल जोन की टीम में रहा, यूनिवर्सिटी ये वो ऑलमोस्ट सभी खेल लिया। बाकी यार दोस्त कह देते हैं कि भाई इंडिया मटेरियल था तो किस्मत में नहीं था, तो इतना कह देते तो वो इंडिया के मेरे लिए बराबर है, तो उस चीज की कमी महसूस नहीं हुई। ये इंट्रो है, बाकी सरकारी मुलाजिम है और सरकार के अंदर काम करते हैं, रेलवे में चीफ टिकट इंस्पेक्टर के पद पे आगरा में कार्यरत है। चीफ क्या बोला? चीफ टिकट इंस्पेक्टर। आपने बहुत कॉमन सा नाम है कि टीसी या टीटी सुना होगा, उनसे सीनियर मोस्ट पोस्ट होती है, एक इंचार्ज टाइप पोस्ट होती है, चीफ मतलब सुपीरियर होता है और इंस्पेक्टर होता है टिकट चेकिंग का, वो पोस्ट है। 3-4 नौकरी लगी बट घर में नौकरी करनी थी तो यहाँ नौकरी चुनी। बाकी हंसता खेलता परिवार है, वाइफ है, एकलौती वाइफ और एक जोड़ी बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ एक वाइफ और 2 बच्चे मेरे बड़े है, परिवार पूरा संपन्न है। बाकी जॉब है, क्रिकेट से चल रहा है, और जो क्रिकेट ने दिया वो अब दोबारा देने की, वो दोबारा उसको लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही मोटो है। बाकी तो कुछ ऐसा मेरा खास इंट्रो नहीं, बस छोटा सा खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया में। बहुत सारे क्वेश्चन है सर, एमएस धोनी से आपने मतलब मुलाकात का बहुत जिक्र होता है, आप बहुत प्रभावित थे उनके व्यक्तित्व से। नहीं, एमएस धोनी बहुत ग्रेट इंसान है, सब कुछ है, प्रभावित मेरे से एक्चुअली आप बात करने से पहले भी नॉर्मल आइडल वाला वर्ड, एक्चुअली मैंने हर एक खिलाड़ी से कुछ ना कुछ लिया, मैंने हर एक खिलाड़ी मतलब मेरे जिंदगी में जो भी आया मैंने छोटा छोटा रोल मॉडल लिया मतलब बनाया। जैसे मैं स्टार्ट किया था तो मेरे को ग्लेन मैकग्राथ का, जो मेरे को कहते हैं मेरा जो स्विंग आर्म पोजीशन है वो ग्लेन मैकग्राथ जैसी, तो मैं उसको देखता था टीवी पे, तो उसको इमेजिन करता था उसके हिसाब से वो क्या है, वो मैंने धारण किया अपने अंदर। एंड्रू फ्लिंट है, उस समय बहुत पीक पे चल रहे थे, उस समय जो बॉलिंग करते थे जो उनको अफर्ट लगता था, रॉक बैक जो जाते थे वहां से वो लिया। जहीर खान की बॉलिंग से मैंने जंप लिया, रनअप और जंप मतलब लिया, मतलब मैंने वहां से वो चीजें देखी कि क्या क्या चीज अच्छी है, वो अपने अंदर धारने की कोशिश करी।
कि मेरे अंदर आए वो चीज, उदाहरण की उससे बहुत चीजें मुझे मिली, जंप अच्छी हुई मेरा, मैग्रास से आर्म पोजिशन अच्छा हुआ। बाकी धोनी से जो मैंने जो सीखा, मैं मिला उनसे और उनकी बातों से, और जो दुनिया को लेना चाहिए जो उनके सोचने का तरीका है वो शायद ही किसी का होगा। बहुत अलग हटके सोचते हैं वो, क्रिकेट के लिए अलग हटके, एज ए जिंदगी में वो क्या सोचते हैं अच्छा ही सोचते होंगे, क्योंकि ज्यादा मेरे दोस्त नहीं है खास, क्योंकि पर मैं रहा हूँ जितने समय उनसे बात की है तो मैंने एक ही चीज देखी कि बहुत अलग हटके सोचते हैं, बहुत चीजें हैं अलग हटके सोचते हैं, और पेशेंस बहुत है जो आप सब लोग जानते हैं, बहुत पेशेंस है, बहुत कूल कहते हैं तो पेशेंस उनके अंदर बहुत है, और जिस इंसान में पेशेंस है वो अच्छा बुरा सोचता नहीं तो वो टॉप पे रहता है। और मैंने भी आपकी बॉलिंग देखी ना, जो वो टपका पड़ने के बाद ऑफ में गिरती है, वो कैसे मतलब यहां से जैसे आप क्रिकेटर, अगर फुली क्रिकेटर होंगे कि आप तो इन टीवीओं से और चैनल से जुड़े हैं, क्रिकेटर होता है तो टप्पा पड़ के बाहर जाना अगर फास्ट हो तो वो आउटस्विंग बॉलिंग होती है, और आउटस्विंग बॉलिंग के लिए जब क्रिकेटर स्टार्ट करता है तो पहले डे से स्टार्ट करता है तो कई वैरायटी है, कोई इनस्विंगर होता है, कोई आउटस्विंगर होता है, कोई तेज बहुत होता है, कोई दोनों साइड मूवमेंट कराने वाला है। तो बेसिकली मैं आउटस्विंगर बॉलर था, और जो मेरी क्रिकेट में गेंदबाजी में रोजी रोटी थी वो आउटस्विंग थी, और बाद में इनस्विंग प्रॉपर नहीं आई, और मैंने कभी इस गल का मलाल नहीं किया कि मेरे को नहीं आई, कटर मारना है उससे विकेट ली, एंगल बना के मारना है उससे विकेट ली। तो जिंदगी मलाल नहीं करना चाहिए, जो चीज आ रही है उसी पे लगे रहना चाहिए, उसी को लगातार करना चाहिए तो जिंदगी मिलता बहुत है। क्रिकेट में से बहुत सारे लोगों का रहता क्वेश्चन कि एज का क्या इंपॉर्टेंट है, एज इतना फैक्टर एज का, जैसे मैं अपना बता देता, जैसे मैं 22 ईयर का हूं, अब अगर मैं बेसिक से स्टार्ट करना चाहूं, आईपीएल खेलने का सपना देखूं तो क्या पॉसिबल है? दोस्त मेरे, कोई क्राइटेरिया नहीं है क्रिकेट में। मैं ऐसे एग्जांपल बताता हूं, मेरे गुरुजी थे वो खुद ही 22 साल की उम्र में क्रिकेट स्टार्ट किए, उसी साल इंडिया 22 इंडिया होती होती, एक साल ही उन्होंने इतने विकेट ले लिए कि वो 22 इंडिया खेले, उसके बाद हिंदुस्तान के नाम आ गया। प्रवीण तांबे को ले लीजिए, क्या उम्र लोगे आप? एंड्रयू सामेन का भी शायद मैंने सुना था कहीं बहुत एज के बाद कमबैक, पंकज सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में 33 साल की उम्र में कमबैक किया। वो ये क्राइटेरिया नहीं है, आपके अंदर क्वालिटी कितनी है, क्षमता कितनी है। मैं कहता हूं चलो मैं हूं, आप बुड्ढा इंसान, रियल बुड्ढा तो क्या है, पर इंडियन क्रिकेट में बुड्ढा 30 साल के बाद मान लेते कि खिलाड़ी बुड्ढा हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि 23 साल का आपने जिक्र किया, अगर 25-26-27 साल तक अगर 140 फेंक सकता है तो क्यों नहीं खेल सकता? ये सही है, मतलब 140 फेंक दो हिंदुस्तान के अंदर लगातार, 140 से 145 के बीच में अगर कोई बॉल कर रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वो बिना खेले रह जाए। हम लोग क्या प्लेयर में ही कमी है, हम लोग शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम भागते हैं कि सेलेक्टर कौन है और कोच कौन सा वो है। अच्छा ट्रेनिंग करना कोई चाहता नहीं, अपना एम सेट करना कोई चाहता नहीं कि हम लोग ऐसे ही अच्छी चीजें। मैं बीच में एक चीज बोल रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जो मैं पब्लिक तक ले जाना चाहता था, और मेरे भी एक जो चैनल बनाया है क्रिकेट टॉक्स, उससे मैं बातें करना चाहता हूँ, पर आपके चैनल के माध्यम से शायद अगर मेरे को सुनेंगे तो इससे बहुत सारी चीज मिलेंगी। भाई हम लोग अपने आप को सेट नहीं करते, हम लोग अपने टारगेट सेट नहीं, हम लोग शॉर्टकट में, सेलेक्टर कौन है मैं खेला नहीं, जवाब क्या रहते कि सर मैंने तो बैटिंग बहुत अच्छी की पर सेलेक्टरों ने सेलेक्ट नहीं किया। भाई क्या मानक एरिया क्या आपका, क्या बैटिंग अच्छी की आपने, आप क्या गवाही किससे दिलाते साथ वाले को, वो खुद ही अच्छी नहीं करा होता कि सर उससे पूछना बहुत अच्छी बैटिंग करके आया पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई तू अच्छी बैट, देखो यार 19-20 का फर्क होता है ना। आप, मैं मानता हूं कि चलो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आज से नहीं बहुत पहले से हावी है, 20 वाला सेलेक्ट हो जाएगा 21 वाला रह जाएगा, मतलब समझने का लेवल होता है कि 21 है जब खेलने में, वो एक बार को 21 वाला रह जाएगा, 20 वाला सेलेक्ट हो जाएगा, बट अगर आप 25 हो तो कोई माइकल वाला आपको नहीं छोड़ सकता। कोई सेलेक्टर आप, अरे यार मारो ना स्टैंडो पे छक्के, एक बॉल बीट मत हो, एक बॉल बीट मत हो, अब फेंको 150 की रफ्तार से बॉल, क्या ऐसा तो नहीं है 150 की रफ्तार से किसी ने फेंका? उमरान मलिक देख लो, उमेश यादव आए थे तेज थे नहीं थे, कैसे सेलेक्ट हुए? स्पीड की वजह से। आप फेंको 150 नहीं फेंकते, 140-150 के बीच में कंटिन्यू फेंको, हिंदुस्तान ना खेलो मुझसे कह देना। हाँ एक वो चीज मैं जरूर कहूंगा कि आप 140-45 फेंक रहे हो, पर फेंक रहे होगे एक उधर विकेट पे एक उधर गांव की तरफ, तो वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आप टारगेट जिंदगी में, तो एज फैक्टर नहीं है। मन में हारे हारे मन में जीते जीत, आपने रनिंग करते करते, आप कहते हैं ना कि सर होते हैं तो 5 राउंड लग जाते हैं, और सर नहीं होते थे अरे यार चल ठीक है हो गया, तो हार गए मन में पहले तो 5 राउंड भी गए, तो पहले आपने अगर सोच लिया कि मेरे को नहीं बस मैं तो नहीं खेल सकता, और क्रिकेट में जुगाड़े बहुत हैं यार, जुगाड़ कब नहीं थी, आप अपने हिसाब से तैयार रहिए। और मतलब दिनचर्या जैसे कैसे रहते क्रिकेटर की, जैसे आप जब थे तो क्या फॉलो करते थे? हर एक का अपना अपना होता है, बट मैं एक बार जैसे बहुत सारे लोग सुबह 4 बजे उठने का बहुत चलता है कि जो नहीं उठता वो बेकार है,
बट कुछ लोग हैं। देखो मैं इन चीज में 4 बजे मैच तो स्टार्ट होता है, 9 बजे अगर डेज मैच भी स्टार्ट करें, T20 आजकल तो रात में होता है, होता है। फिर आप कोई आंकड़ा लगाए 4 बजे क्यों उठते हैं, पर उसका एक तरीका है। हम जब हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो फ्रेश एयर और सारी चीजें हैं वो सुबह मॉर्निंग स्टार्ट हमारा, जो हम जो चीज सीख स्टार्टिंग हमारी सुबह सूर्य निकलने से पहले है, है ना। तो दिनचर्या जब हम स्टार्ट करते हैं वो पहले ही उठना चाहिए, हमें बिस्तर अपना 4 बजे से पहले 4 बजे के आसपास छोड़ देना चाहिए, है ना। और आप जितना जब बॉडी सबसे ज्यादा आराम की पोजीशन में होती है ना, जब जब आप सडन रात में सो के उठे तो बॉडी उस तरह एक्टिवेट नहीं रहती, तब उस समय जो वर्कआउट करेंगे तो खुली बॉडी में तो आपका फिर अलग ही काम करेगी बॉडी। तो उसमें मोस्टली आदमी सुबह वर्कआउट करना पसंद करके, फ्रेश एयर रहती है, सारी चीज रहती है। बाकी अगर उसे क्रिकेट से करें तो क्रिकेट 4 डेज तो भाई 9 और 9:30 बजे स्टार्ट होता है मैच, होता है। और मैं तो एक चीज और कहूंगा इसमें कि आप जब भी प्रैक्टिस करें ना, नेट प्रैक्टिस करें तो सुबह जल्दी करना शुरू करें, आपकी आदतें बनेगा, आदतें बन जाएंगी। और सौरभ गांगुली के साथ हमने सुना है कि आपका सीन हुआ था, मतलब कोई सीन नहीं हुआ मेरा, मेरे बहुत सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं और बहुत आदरणीय हैं और अच्छे कप्तान रहे हिंदुस्तान के। अगर धोनी को छोड़ दिया जाए, महेंद्र सिंह धोनी को, तो सौरभ गांगुली जैसा कप्तान हिंदुस्तान को ना आज तक मिला ना मिलेगा। और आप ये देखिए जितने धोनी ने प्लेयर बनाए, मतलब प्लेयरों को जो मतलब जो कहां रह सकते थे उन्होंने कहां तक पहुंचाया, ऐसे ही सौरभ गांगुली दादा ने इतने प्लेयर बनाए, बहुत बड़े बड़े खुद प्लेयर बताते हैं। तो हुआ कुछ नहीं था, बस ये था कि वो हम लोग उस समय कुछ अनफॉर्चुनेट था कि हमारी टीम ऊपर नहीं खेल पाई, इतनी बड़ी टीम थी। तो बाकी तो बहुत शानदार इंसान और शानदार खिलाड़ी रहे। आशीष नेहरा के साथ, आशीष नेहरा जी बहुत बढ़िया इंसान है। अभी लेटेस्ट मेरे बच्चे के बर्थडे पे उन्होंने देखो मैंने एक चीज देखी, मैंने बहुत सारे खिलाड़ी देखे, ठीक है, बड़े होने के बाद इंसान को टाइम भी देता है, मैंने सबको ऑब्जर्व किया, पर मैंने आशीष नेहरा को एक ऐसा देखा मैंने, कभी मैंने उनसे बात की है, कभी मैंने मैसेज किया होगा, उनका तुरंत रिप्लाई आया। और मैं दिल से बात बोलूंगा, अभी मेरे बेटे का बर्थडे था अपने, अभी उन्होंने एक वीडियो छोटा सा बना के उस टाइम पे जब मैं आया था अभी बना के भेजा मुझे। और मतलब इरफान पठान भी उसमें आए, इरफान पठान, बट अलग ही ये लोग, ये क्या ना ऊपर टॉप पे जाके ना ये अपने आप को भूले नहीं कि हम जहां से स्टार्ट किया। तो ये आज भी प्लेयरों की वैल्यू करते हैं, आज भी बात करते हैं, अगर इनसे कोई बात करो तो पजी कैसे हो, तो उस तरह से बिल्कुल रिप्लाई देते हैं। तो हैट्स ऑफ है आशीष सर के लिए, बहुत ही अच्छे इंसान है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप अभी तो फाइनल हारे हैं और अगले साल फाइनल जीते हैं, मेरी गुड विशेस आपके साथ में, आप अच्छे इंसान है। और जैसे आप रेलवे में रणजी टीम के सिलेक्टर हैं, तो एक चीज बहुत डाउट रहता है कि जैसे रणजी टीम रेलवे में किसी को खेला, धोनी भी खेले थे रेलवे में, तो वो पहले जॉब करनी पड़ती है या फिर आप जब खेलते हो तो फिर जॉब दिया जाता है रेलवे स्पोर्ट कोटा के तहत? देखो रेलवे एक्चुअली सब विभागों की टीम है, इनकम टैक्स की टीम है, डाकखाने की टीम है, पहले SBI टीम हुआ करती थी फर्स्ट क्लास की, तो अनफॉर्चुनेट उनकी टीमें कभी ऊपर नहीं आई। पर अभी क्या है कि रेलवेज और सर्विसेज जो आर्मी की टीम है उनकी 2 टीमें मतलब खेलती है ना। तो कायदा क्या है कि जब आप जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो तो वहां जॉब होना कंपलसरी है। अच्छा। ये रूल है, हाँ, जॉब होगी तभी खेल सकते हैं। बट इसमें रेलवे ये था, रेलवे में शुरुआती डेज में अंडर 19 हुआ करती थी, वो ट्रॉफी जो सारे स्टेट की हुआ करती थी, तो उसमें क्या होता था कि जो पेरेंट्स रहते थे उनके बच्चे भी खेल सकते थे। तो जैसे कि मेरा कोई बच्चा है वो पास में नाम होना चाहिए तो वो उस ट्रॉफी को खेल सकता था। बट अनफॉर्चुनेट कुछ कंडीशंस ऐसी रही, क्या रहा जो मेरे को पूरा उसका मेरा पता नहीं, वो अंडर 19 बंद हो गई। बट अभी अंडर 23 के लिए भी जॉब होना कंपलसरी है, जॉब होना कंपलसरी है, टेस्ट निकाल कर जॉब करनी पड़ेगी। देखो टेस्ट निकालो या फिर आप किसी स्टेट से खेलो, तो स्पोर्ट्स कोटा रहता है और सरकार बहुत अच्छा काम करती है, इनमें जॉब निकालती है, वैकेंसी अभी भी निकली हुई है, अच्छा खिलाड़ी होता है, बकायदा ट्रायल ऑर्गेनाइज होता है, ट्रायल में आप अच्छा करिए और जो बेस्ट होता है उसको लिया जाता है, वो जॉब में आता है। 2 तरीके हैं, तो पढ़ाई के रास्ते से आ जाइए और स्पोर्ट्स कोटे से आ जाइए, दोनों। बट स्पोर्ट्स कोटे से आने वाले को थोड़ा ज्यादा वो होता है क्योंकि वो भाई उसका कोई काम भी है। और जैसे भी आप राजस्थान रॉयल्स में सिलेक्टर हैं, नेट गेंदबाज के सिलेक्टर हैं, तो मतलब आप कैसे देखते हैं नेट गेंदबाज, कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैंप लगाते हैं कहाँ पे, बच्चों को पता नहीं होता अमूमन कि कहाँ क्या हो रहा है? मेरा इसमें केवल सिलेक्शन का काम रहता है। अभी मेरे को नया मिला था RR के लिए, नेट बॉलर सेलेक्ट करने थे, तो मेरे को साउथ और वेस्ट दिया गया था, मेरे पे 8-10 सिटीज थे बड़े बड़े मेट्रो। अच्छा, ऐसा सिटीज दी जाती हैं? हाँ सिटीज दी, मैंने अपना चेन्नई से स्टार्ट किया था, चेन्नई देन बेंगलोर, बेंगलोर के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद मुंबई, रायपुर, इंदौर, एक दो और थे शायद दिमाग में निकल रहे हैं, तो ऐसे शहर है इधर कोई, तो वहाँ देखो हमारी जो उन्होंने दिया हमको नेट बॉलर, मतलब क्या होता है नेट बॉलर, क्या होता है कि
प्लेयरों को अच्छा प्लेयर मिले। नेट बॉलर हल्का अमाउंट नहीं होता, 8-10 लाख रुपए एक 2-3 महीने के मिलते हैं उसको, है ना। और टीम के साथ जैसे मोहित शर्मा भी नेट बॉलर ही हो गए थे, पर बाद में आके वो टीम में आए, तो वो एक बड़ी चीज है। लोग नेट बॉलर देखते हैं, नेट बॉलर नहीं, आप टीम के साथ रहोगे, आप अच्छा करोगे, वहां फिर जो बाहर ऑप्शन से लेके तुरंत आपको लिया जाएगा। तो कई ऐसे प्लेयर है जो नेट बॉलर खेले हैं, और उसमें जब नेट बॉलर होता है तो वो क्या देखते हैं कि ऐसा प्लेयर जो बैटिंग के लिए बैट्समैन के लिए दिक्कत करे, तो फर्स्ट उनकी प्रायोरिटी रहती है कि तेज गेंदबाज हो, तेज 140 प्लस फेंकने वाला हो, एटलीस्ट कोई लड़का। एक फ्रेंचाइजी आरआर का ये बड़ा अच्छा है कि वो छोटे बच्चा कोई जो कम उम्र में अच्छी स्पीड फेंक रहा है तो उसको भी कंसीडर करते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई टैलेंट नहीं जाया जाना चाहिए, तो ये बड़े अच्छा लगा राजस्थान रॉयल्स का। तो स्पीड अच्छा हो, देन उस एक्यूरेट कितना है वो अच्छा होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें फिर जुड़ती हैं। फर्स्ट तो हम एक्यूरेट और स्पीड देखते हैं, देन आप स्विंग भी करा सकते हैं अगर 140 किया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत सारी चीजें आप देखने को, तो आपका रनअप कैसा है, आपका आर्म कैसा है, आप स्मार्ट कितने, ये भी एक भाई देखो अभी कोई बिल्कुल उजियट टाइप का थोड़ा सा ऐसा होता कुछ नहीं, पर चीजें हर चीज मायने रखती है, बट मोस्टली स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, और जैसे कि इंदौर में ट्रायल हो रहा है, कोई यूपी से आगरा से वो जाना चाहे तो जा सकता है? बिल्कुल जा सकते हैं, खुला रजिस्ट्रेशन होता, ऑनलाइन होता सारा उनका सेटअप होता, और ये रेडबुल द्वारा कराया जाता। रेडबुल जो बहुत बड़ा ब्रांड है इंडिया के अंदर, मतलब है कर रहा है, तो रेडबुल जो ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक वो इसको स्पॉन्सर करता, वही कराता रहा है उनको, तो वही सारा सेटअप बहुत शानदार बनाते हैं वो लोग, पूरा बना के वही उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जाने को तो वो डेट डालते हैं अच्छा अच्छा शहरों की, पर ऐसा नहीं है, कई लोग बाहर से भी जाते हैं, आगरा से भी कुछ लोग पहुंचे थे ट्रायल देने, और बेंगलोर में चेन्नई से चेन्नई के लोग पहुंचे थे, ऐसा नहीं जो मिस कर जाते हैं कई बार कि इसे वहां नहीं पहुंचे, तो वो अलग कंट्री जाते, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहां से नहीं है कि आधार कार्ड चाहिए, ये सब बेवकूफियां वो नहीं करते। और क्रिकेट में लक को लेकर वो आपके साथ तो बहुत हुआ है। लक को मैं बहुत टॉप पे मानूंगा। अच्छा, मेरे अगर मेरे पर्सनल पूछा जाए तो लक मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लक मेरा नहीं था शायद, इसलिए हिंदुस्तान नहीं खेला, बट कंट्रोल अच्छा है, मैंने इस बात का भी मलाल नहीं किया। मेहनत देखो, लक ठीक है, लक है वहां दो, आप मेहनत कर रहे हो लक काम नहीं दे, चलो ठीक, बट आप मेहनत ही नहीं करो, केवल लक के भरोसे बैठे रहो तो वो भी गलत है ना। लक मेहनत अपनी जगह, क्योंकि आप ये देखिए एकेडमी में सारे प्लेयर मेहनत करते हैं लाखों लोग खेलते, कितने 2-1 3-1 ऐसे होता है भाई, पूरे कंट्री में करोड़ों लोग खेल रहे होंगे, खेलते कितने 11-15-20-30 तीन टीम बना लो, क्यों? अब लकी कह लो या मेहनती कह लो, पर खेलते तो सभी हैं। मैंने तो ऐसे भी कई प्लेयर देखे और लगता है कि मतलब विराट कोहली से अच्छा कबड्डी ड्राइव मार रहा है, कई क्लब में देखे ऐसे। अरे भैया एमएस धोनी का आप देख लो ना, एमएस धोनी माही को कौन जानता था। रेलवे का सीन मैं नहीं बोलूंगा, आपका लाइव जो भी चल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी जी को तो ट्रायल में भी सिलेक्ट नहीं हुए थे वो बेचारे, अब दुनिया उनको सलाम कर रही है, उनकी बैटिंग देख लो तो कोई पूछे नहीं, तो कहां उन्होंने क्या किया, कहां कैसी बैटिंग करी, क्या करके कहां पहुंचे। अब इसे लकी बोलो या सोचने का नजरिया, चलने का नजरिया बहुत फर्क। हाँ, मुझे याद आ रहा है वो है ना अफ्रीका में पेस बॉलर नोरकिया है ना, उन्होंने बोला भी था, मुझे लगा धोनी की बैटिंग देख के कि बैटिंग आती नहीं, उन्होंने बोला ऐसा। वो छोड़िए, एक हमारे यहाँ आशीष विंस्टन जैदी बहुत तेज गेंदबाज थे और 350-400 विकेट ले चुके हैं, यूपी में बहुत बड़ा तहलका था उनका बॉलिंग का अपने टाइम में। एक बिहार में कोई टूर्नामेंट हो रहा था, खेलने पहुंचे थे वो, तो इन्होंने 300-325 कुछ रन, मैंने ये चर्चा सुनी है कि बना दिए होंगे, तो उधर से पब्लिक में से एक आदमी आया, बोलता है कि ये मैंने किस्सा सुना है वो बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या है, पर एक्चुअली ऐसा था। तो उन्होंने बोला कि भाई सब कुछ बढ़िया ही लगाएगा, धोनी उसे आउट कर लेना। तो जैदी भाई के ये वर्ड थे, अरे धोनी पोनी कितने आए, 300 कौन बनाएगा, बॉलर है, मतलब वो बताते हैं कि शायद 30 ओवर में मैच खत्म करके चले गए धोनी साहब, 30 ओवर में। हाँ, 30 है, बहुत बहुत बुरी मार मारे थे, 50 ओवर का मैच, तब पहली बार पता चला कि कौन है धोनी। अगर उनके छक्के देखने हैं तो देहरादून में भी कभी देखे, उन्होंने बहुत मारे हैं, तो वहां तारीफ सुने तो भैया उनकी तो बहुत बड़े आदमी है, उनसे क्या हम लोग कंपैरिजन करें, कुछ ही लोग सदियों में पैदा होते हैं जो वो हैं। और जब आप खेल रहे थे आईपीएल पुणे से खेल रहे थे ना, तो कोच थे एनल डोनाल्ड अफ्रीका के, शायद वो आपसे बहुत प्रभावित थे, ऐसा वो चाहते थे कि आप, वो मेरे लाइफ का एक्चुअली जब मैं खेला था तो उस समय ऑप्शन नहीं हुआ करता था, मतलब अनकैप प्लेयर का ऑप्शन नहीं हुआ करता था, वो ये देखते थे कौन सी ईयर में आपने डेब्यू किया, उस हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट था वो मिलता था। तो उस समय मैंने मेरा कमबैक हुआ था, इंजरी के कारण बाहर हुआ था, मैं फाइटर शुरू से रहा तो दोबारा कमबैक किया,
जब मैंने कमबैक किया तो उसमें कर्नल अमरिंदर करके सीईओ थे पंजाब किंग्स के, उनसे मेरी बातचीत हुआ करती थी कि एक साल पहले मैं रिजर्व में था पंजाब में, तो मैं जब आया मैच में तो उनसे मैंने पंजाब का ये मामला था मोहाली का, तो मैंने उनसे बोला कि मैं आईपीएल खेलना मुझे, तो बोलते हैं कि ले ले विकेट आईपीएल खेल जाएगा खिला दूंगा तुझे। यार पता नहीं ऐसा क्या निकला और क्या हुआ और मैंने उस मैच में 10 विकेट लिए एक हैट्रिक ली, फिर मैं पहुंच गया सर शाबाश। वहां गलती क्या हुई कि थोड़ा सा दो टीमों से, मतलब मेरे को टीम तो चार, मुंबई इंडियंस से था, केकेआर से था, पंजाब से था और पुणे से था, तो वहां एनएल डोनाल्ड ने फर्स्ट टाइम मुझे देखा था, बहुत तेज फेंक रहा था उस समय, मतलब पीक टाइम पे था, अच्छा खासा तेज फेंक रहा था। हां मेरे को पता नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ, बट लोग कहते हैं कि तो 145 तो बीच में फेंकी थी मैंने, 150 टच करी मैंने, तो एक्चुअली देसी मेहनत करता था, देसी डैड, ये आजकल की सब नहीं, वो चलो बाद में आएंगे, पर एनएल डोनाल्ड की बात चल रही है, तो वहां उन्होंने कहा यार वेरी क्विक बॉलर जी, तो बात बात करी, तो आप बिलीव करिएगा जब मेरे को पुणे वॉरियर्स में लिया गया था ना, तो उनका कोई 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उस प्लेयर का नाम नहीं लूंगा मैं, उसको भी पैसा दिया और मुझे लिया, उसको निकाला, इतना उनको वो पसंद आया और इतना पसंद कर रहे थे कि मुझे खिलाने के लिए कि वो कुछ जो भी अंदरूनी परिस्थिति थी, पर एनएल डोनाल्ड मुझे बहुत लाइक करते थे, केवल स्पीड ही, और मैं उन्हें बहुत पसंद करता कि वो उस समय के व्हाइट आइसलिंग क्या नाम था उनका पता नहीं, वो बहुत तेज गेंदबाज थे वो, तो मैं उन्हें पसंद करता था, तो तेजी मेरी काम आई उस समय, एक आईपीएल में तेजी के चक्कर में आंख भी फोड़ी थी, तो बहुत किस्से तो बहुत सारे पुराने, आंख मतलब कैसे, हेलमेट लगाने के बावजूद या फिर हेलमेट था फिर भी, एक मित्र है मेरे और मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई है, हुआ क्या कि किसी हम लोगों में किसी के पीछे मतभेद, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो नेट पे बैटिंग कर रहे थे, तो उस समय नो डाउट मैं जो बात बड़ी नहीं बोलूंगा, मैं उस समय एक तो खुंदक में तेज फेंक रहा था क्योंकि मेरे को मैच नहीं मिल रहे थे खेलने के लिए, तो जब भी नेट सेशन होता था तो एक परवेज रसूल करके एक प्लेयर है जम्मू कश्मीर के, इंडिया खेले, वो मेरे साथ में थे, तो जो बैटिंग करने वाले बंदे थे वो मेरे को डेली अंडसंड मारते थे, अच्छा मैं भी नॉर्मल डालता था बोल के चलो, तो परवेज रसूल ने बोला कि आप अरित्र को तो वो बहुत बुरी तरह मारता है, वो मेरे को मैंने कहा मैं मेरी टीम का आदमी है, मैं जिस दिन चाहूंगा उस दिन उसे, मेरे को पता है कहाँ कमी है, उसने मेरे को इतने तो मतलब बार बार डे बाई डे हो गया, तो एक दिन मैंने मैच ऑर्गेनाइज कर दिया, मैंने ठीक है आज मैच खेल रहे हैं कितनी बॉल में इतने बनाने, मैंने वेरी फर्स्ट बॉल बहुत तेज फेंका तो उनके ऊपर से निकल गया, तो मैंने एक चीज सोची कि जितना मैंने फोर्स उसमें लगाया वो इतना ऊपर से निकल गया, वो फायदा नहीं, तो मैं फास्ट बॉलरों को एक चीज बोल रहा हूँ यार, हम लोग बाउंसर भी मारते हैं ना, हम लोग केवल टाइम वेस्ट करते हैं, मारना तो यहाँ मारो ना यार, यहाँ से निकल के क्या वाबाई लेना, मारना है तो इधर मारो, तो मैंने देन मैंने सोचा जितनी दम मैंने वहां लगाई वो ऊपर से निकल गया, उतनी दम मैं आगे लगाऊंगा तो यहाँ हिट करेगा, तो इतनी तेज मेरे को कहना है उसका बल्ला ना आए, और बिलीव करना उसका बैट बहुत लेट हो गया, हेलमेट के अंदर से घुस गया और सारा कट गया, और 3.5 लाख रुपए उसकी सर्जरी के लगे जो आज तक पुणे वर्ष गए थे कि तुमने नुकसान करा दिया, तो चलते रहते हैं। और दीपक चाहर के साथ मतलब वो भी आगरा से, आप भी आगरा से हैं, और सुना कि बहुत मानते हैं आपको। नहीं मुझे मानते नहीं मानते, ये तो हर वक्त का पता नहीं होता कौन कब किसको मान रहा है, और समय हवा कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है, बट अच्छे इंसान है, उनके फादर साहब भी बहुत अच्छे इंसान है, और आपको पता नहीं कि फादर साहब के कितने सेक्रीफाइस है उनको ऊपर लाने में, सोनू ने बताया तो उनके जो दीपक आज है ना, मैं केवल मैं नहीं कह रहा दीपक खराब प्लेयर, दीपक बहुत अच्छे प्लेयर, बट दीपक जो है ना, जो दीपक जला है ना, वो बिकॉज ऑफ योर फादर, केवल उसके पिताजी का हुआ है, क्योंकि कभी कभी चमत्कार को ऊपर लाने के लिए भी काफी लोगों के पीछे हाथ होते हैं जो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो सैक्रिफाइस मैंने उसके फादर के अब तक देखे हैं ना, शायद मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा, वो शायद ही किसी ने किए होंगे, शायद वही वजह है कि जिसकी वजह से आज दीपक अपना टूर्नामेंट छोड़ के आज फादर साहब उनके अनुपर, हम लोग भगवान से प्रे करेंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उनको शायद ब्रेन हेमरेज हुआ है जहां तक वो मेरे को सुनने मिला है, कल परसों में हुआ है और दीपक छोड़ के भी आए हैं, तो यही वजह है कि शायद अब दीपक अपना टूर्नामेंट छोड़ के आज फादर के साथ है, और ये बहुत अच्छी चीज है। तो दीपक अच्छे इंसान है, अच्छे बॉलर है, हाँ बॉलिंग के लिए हम लोग लास्ट में वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, मैं हालांकि मैं उनसे सीनियर था तो उनके फादर साहब मुझे फुल लाइक करते थे, क्योंकि आगरा में उस समय सबसे तेज मैं ही फेंक रहा था, और एक बात बोलूं तो आज भी मेरे साथ तेज कोई नहीं फेंका किसी ने, क्योंकि मुझे तेज बॉलर आज चर्चा चल रही थी तेज बॉलिंग की, तो अभी तेज बॉलर कोई नहीं आया अभी तक, अभी मैंने हम और एक अक्षर पांडे प्लेयर बैठे थे, हम लोग बात कर रहे थे तेज कौन आया, तो अभी तक तेज मैं अभी नहीं फेंक रहा, बट पहले भी फेंका था, तो अभी 140-145 से ऊपर का कोई बॉलर भी आया नहीं,
तो आएगा तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कोई बॉलर आएगा, तो अगर आ गया हो तो पता नहीं, बट मेरे को ऐसा भी देखा नहीं। तो जब मैं उसमें चल रहा था तो दीपक चार के फादर मुझे बुलाया करते थे, काम फ्री होता था प्रैक्टिस में, तो मैं जाता था प्रैक्टिस में। तो कई सारी चीजें एक दूसरे, देखो जब एक दो अच्छे प्लेयर बस आते प्रैक्टिस करते तो एक दूसरे सीखने को मिलती है, हम भी अपने सीनियर से सीखते थे तो वो अच्छा लर्न करते थे, पैर ड्रैग करना सारी चीज करना। वो उन्होंने मेरे से कई बार बातें की, भैया क्या होता है, मैंने कहा पैर जो ड्रैग करता है अब पूरा कोर का फोर्स लगता है तो उससे स्पीड, मेरा तो स्पीड ऐसे ही है, बोले भैया जंप में जंप की मतलब नहीं, हमारे तो स्पीड जानी है, जंप से क्या करना हमको भाई, हमारा जब रिजल्ट ही बेटर आ रहा है तो हम फिर क्यों पीछे चीजें पड़े, हमें तो रिजल्ट, हम देखो मैंने एक चीज बोला, या तो बेसिक अच्छी कर लो या आप रिजल्ट बेटर दे दो। आपने उस बार ही बोला था रिजल्ट बेटर दे दो, बेसिक खत्म। आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको कोई भी कह देगा कि आपका बैट यहाँ से नहीं आ रहा, आपका वो नहीं आ रहा, हाथ यहाँ से आ रहा है, अरे भाई या फिर हाथ अच्छा कर लो। दो ही फंडे हैं खिलाड़ी को करने के लिए, बस सीधी बात है। एक अभी मुझे विनय कुमार मिले, काफी अच्छे इंसान थे। अभी आप आ रहे हैं फ्लाइट से, तो क्या कौन सी ट्रॉफी चल रही है अभी? कुछ मैं विजय यार ट्रॉफी से लौटा हूँ, मैं एज ए सिलेक्टर काम कर रहा था टीम के साथ, एज ए मेंटोर मैं टीम को ऑब्जर्व कर रहा था कौन प्लेयर कैसा खेल रहा है। अभी हालांकि मैं लास्ट मैच में हमारा केरला के अगेंस्ट मैच था तो वहाँ मैंने एक लेवल, क्योंकि मेरा काम अभी ऑब्जर्व करना है प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज देखना, प्लेयर क्या कर रहा है, किस माइंड सेट में बैठा हुआ है, क्या करना है। देखो भाई मैं एक चीज बोलता हूँ, क्रिकेट की बेसिक तो कोई बता देगा, बल्ला कहाँ से आना चाहिए, आउटस्विंग, हजारों वीडियो यूट्यूब पे है, आप खोल लो आउटस्विंग इनस्विंग बैट लिफ्ट ये वो स्टांस सब आ जाएगा, हजारों वीडियो आ जाएंगी, हर एक कोच बना हुआ है। अरे यार प्लेयर के माइंड सेट के लिए बात कौन करेगा, जब प्लेयर इंजरी से जूझता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट उस समय उसके लिए कौन बात करेगा कि वो किधर जाए, इंजरी छुपाए या इंजरी से बताए, उसके लिए कौन बात करेगा, उसके लिए कोई बात नहीं करता था। प्लेयर सेलेक्ट हो रहा है पॉलिटिक्स अगर आ रही है तो क्या उसका माइंड सेट रहना चाहिए, डे बाई डे फ्लॉप हो रहा है उसके लिए क्या उसका वो क्या करना चाहिए, आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या प्रोटीन का क्या होना चाहिए, या आजकल आज धुआंधार प्रोटीन खटखट पिया खट से ये क्या क्या प्रोटेक्ट, भैया हमने तो नहीं लिया कभी, तो इस चीजों पर कोई बात नहीं करता ना, इस पे बात करें ना, बैकलिफ्ट 1 2 3 डिफेंस बैकवर्ड डिफेंस ये ठीक है वो तो, बट मेरा कहने का मतलब है कि ऐसी चीजों पर बात करनी चाहिए जो प्लेयर को, अभी आपने बोला जैसे कि 23 साल की उम्र, मैं कहता हूँ माइंड सेट रखो ना आप इंडिया खेलने का, भूल जाओ सारी रिश्तेदारी, भूल जाओ सारे घर, भूल जाओ परिवार, एक साल दे दो गारंटी है आप इंडिया नहीं खेले ना इर्द गिर्द घूम जाओगे, इर्द गिर्द पर क्या है बोलते कैसे लोग, सर आई विल नॉट कम बिकॉज मैं मैरिज फंक्शन में जा रहा हूँ, सर मूवी नहीं ले रही जो ये, सर एक दिन की छुट्टी बॉडी टायर्ड हो गई, सर अरे यार एक तो क्या मेहनत कर ली, तो एक्सक्यूज ही बहुत सारे हैं। या फिर बॉलर रन खा गया, सोचा नहीं क्यों खाया, क्या कमी रही, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जीवन में, क्या लगाया, अरे रन अप सही नहीं बन रहा था, जूते नेल्स घिस गए, यार थोड़ा सा अपने ग्राउंड की आदत है, बैट्समैन ने यार पता नहीं वो बहुत अच्छा बैट्समैन इसलिए मार दिया, अरे तो यार तो तू कब अच्छा बनेगा, तो ये सब माइंडसेट के गेम है, आपको माइंडसेट कैसा रखना है। मतलब आप ही बोला आज जो जनरेशन है वो थोड़ा सा जो आज आज की जनरेशन तो बहुत खराब तरफ जा रही है, आज की जनरेशन पेरेंट्स बहुत खराब तरफ जा रहे हैं, आज की जनरेशन केवल सेटिंगबाजी में जा रही है, आज की जनरेशन केवल सेलेक्टरों को ढूंढ रही है, आज की जनरेशन केवल पेरेंट्स को पता नहीं क्या हो गया कि 2 महीने में ही खिलाड़ी इंडिया खेलना चाहिए उनका, उनका बच्चा बोर्ड ट्रॉफी में आ जाना चाहिए, वो किधर है वो किधर है, सर हमारा लल्लू खिला दो और चले गए, अरे अच्छा अरे मेरे से ही देख लो, मैं सेलेक्टर और ये सब क्या बना, लोग मेरे पीछे घूमने लगे, अकेडमी भीड़ लग रही है, दीपावली की मिठाई ले लो सर इसकी, आज तक तो जब मेरा समय खराब आया तो मेरे पास कोई नहीं आया। अच्छा ये लोग भी क्या सोचते हैं कि सामने वाला तो अच्छा, दुनिया का चलन ही है बटरिंग का आजकल, चलन ही वही है, पर उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना काम जो करना है करना है, पर ये कि प्लेयर जो जनरेशन जो जा रही है ना वो बहुत गलत तरीके जा रही है, शॉर्टकट अपना रही है, पेरेंट्स को जल्दी खिलाड़ी बनाना है, कोचेस का नहीं सिलेक्शन कर पा रहे भाई, कोचेस का यार प्रशांत सर आप एक बात बताइए मुझे, जितना आप इस फील्ड में इंटरव्यू लेने की आपको नॉलेज है, जितनी नॉलेज है ना आप उतना ही अच्छा बता पाएंगे, या वो टॉप क्लास जो इंटरव्यू लेता है, या चलो कोई भी एनडीटीवी का पत्रकार या आज तक का पत्रकार, उसके बराबर आपकी नॉलेज होगी? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो बहुत परिपक्व हो चुका है, वो उस एक्सपीरियंस को दे चुका है। अभी क्या है कोई भी क्या, देखो भाई मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी को कुछ नहीं कर रहा, सारे कोच बढ़िया हो, मेरे बड़े भाई हो आदरणीय हो, बट याद रखना दोस्तों कि केवल अपनी रोजी रोटी के चक्कर में किसी प्लेयर का भविष्य खराब ना हो जाए। क्योंकि कारण क्या है कि हम लोग बच्चे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छा स्कूल देखते हैं, कोच अच्छा देखते नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि भाई कोच भी क्या करे,
भाई क्रिकेटर बहुत सारे खेलते हैं, बाद में हर कोई तो सक्सेस होता नहीं, नौकरी लगती नहीं। और जो क्रिकेटर अच्छे क्रिकेट खेले होते हैं, अभी दीपक चार को अकेडमी क्या जरूरत, वो तो उसके फादर ने खोली चल रही, वो अकेडमी कभी नहीं चलाएगा। नहीं भाई सक्सेस आदमी को क्या जरूरत 3-4 घंटे उधर खपाएगा, है ना। तो क्या है कि जो अनसक्सेस नहीं कहेंगे, अनफॉर्चुनेट की वो नहीं, पर कुछ लोग जो खेले हैं, चलो बहुत, जो कुछ नहीं खेले, जिनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता, वो नेट लगाए और 4-5 स्टंप लगाए और यूट्यूब देखा और वो क्रिकेटर कोच बन के डाले कुर्सी बैठे हुए हैं। अब पेरेंट्स को तो नहीं पता कि क्या है और वो परेशान है, और वो बड़ी अच्छा उनसे बातें बड़ी तो भगवान जाने, वो तो इंडिया ये और उसमें खिला दूंगा, आईपीएल अगले दिन ही खिला दूंगा, पेरेंट्स भी पागल हो जाते हैं। अब उसमें ये नहीं देखते कि बच्चे का 1-1 साल किधर जा रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप अगर जितना जानते हैं उतना ही बता पाएंगे, या रवीश कुमार ले लो या कोई भी श्वेता जो भी पत्रकार है, वो जितना जानती है वो उतना बता पाएगी, फर्क होगा। तो मैं जो बता पाऊंगा, जो मेरे से ऊपर इंडिया प्लेयर होगा, जो मेरे से ज्यादा इंडिया खेला, जो अच्छी क्रिकेट खेला होगा, वो बता पाएगा। एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो मैं, इसलिए आपको मतलब आना चाहिए यूट्यूब पे या फिर अपना चैनल जो भी है। नहीं मैं इसीलिए आया हूँ, शुरुआत तो कर दी, और और मेरी दोस्तों बस यही मुहिम है। मेरे को यूट्यूब से मैंने पहले ही बोला था कि चैनल पैसा वैसा आजकल इसको बहुत ज्यादा प्रोफेशनली लोग लेने लगे हैं, मेरे पे नहीं भैया कैमरा, मेरे पे तो मेरा फोन का कैमरा है, उसी से बनाता हूँ। देखिए तो आपको शायद मैं कहीं ऐसा कोई एक्सपीरियंस दे पाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि लोग जुड़ेंगे तो मैं शायद किसी के काम आऊं और मैं हेल्प कर सकूं। जो मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दूंगा। जितने सवाल पूछोगे आप ये मत सोचो कि मैं, मेरे खुद की नॉलेज भी गेन होगी, मैं उस पर रिसर्च करूँ, बातें करूंगा, सोचूंगा उसके बारे में, तो आपको जवाब देने के लिए सक्षम होऊंगा। तो जितने लोग पूछेंगे उतने बताऊंगा मैं। तो चैनल की स्टार्ट कर दी, केके टॉक्स नाम से चैनल है, सर्च करेंगे मिलेगा, और आप जितना पूछेंगे, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी कि आपको जैसे किसी तरह से माइंड सेट नहीं क्या नहीं है, मतलब बट समस्या एक चीज और है कि मैं जवाब तो दूंगा, बट एक समस्या और भी आती है, दुनिया में सुनते समय फॉलो कोई नहीं करता, केवल इंस्टाग्राम को छोड़ के और ट्विटर को छोड़ के, उसको फॉलो करेंगे अभी बैठेंगे जी सर 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 सर, अभी तुम 30-60% भी उसका ले लो ना तो चीजें आपकी जिंदगी में करना शुरू है, सुनते सब है। जैसे कहते हैं क्लास में 60 स्टूडेंट बैठे हैं, आगे की 2-4-10 भी लेते हैं, वही आगे सफल, पीछे वाले लेते ही नहीं, क्योंकि क्या क्या बताया था तो बताना, कॉपी मार लेंगे। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, तो सुनना नहीं, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ अगर आप उसे फॉलो करना शुरू करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कहीं ना कहीं एक लेवल पे जाके खड़े होंगे। हाँ कुछ जैसे कि आप आईपीएल प्लेयर हैं, आपका नंबर तो सबके पास है नहीं, तो कोई आपसे पूछना चाहता तो कमेंट करेगा चैनल पर, तो आप बताएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल 100% बताऊंगा। और दूसरी चीज, मैंने अपना नंबर तो बिल्कुल सार्वजनिक कर रखा है, क्योंकि मेरी मर नहीं उठाना, नहीं उठाऊंगा, उठाऊंगा उठाऊंगा जिससे लगेगा परेशान। मैंने आज तक मेरे फोन का नंबर चेंज नहीं किया, आईपीएल में भी खूब फोन आए भाई, सीधी बात है, लोग पता नहीं क्यों नंबर चेंज करते हैं, नहीं करना भाई, एक ही नंबर है जब से होश संभाला है, और जो भी पूछना है पूछिए, नंबर मांगना है नंबर, वैसे मेरा सार्वजनिक हो चुका है, सब पे मिलेगा, बट आप कमेंट्स डालिए। और एक लिमिट होती है, देखो एक्चुअली क्या होता है, कई बार होगा कि मान लो अगर कोई ज्यादा कमेंट्स आ जाते हैं, और मेरे पे भी, मेरी भी एक दिनचर्या है, मेरी फैमिली है, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपके, वैसे मेरी कई वीडियो में मैं ज्यादा बोल जाता हूं, तो मेरी किसी भी टॉपिक को वीडियो लेके उसमें बहुत से जवाब मिल जाते हैं, अगर आप ढंग से सुनेंगे, तो मैं कई क्षेत्रों की तरफ चला जाता हूं करते करते, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट डालेंगे उस पर जवाब देंगे। और जैसे कि आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके पिताजी हैं, एक्सपायर हो गए, बट कितना बड़ा रोल रहता है उनका, मतलब पिता का रोल कितना रहता है? जिंदगी में हर एक चीज का प्रशांत जी बहुत बड़ा रोल है, और फादर का रोल जो है ना वो शायद ना तो कभी चुका सकते हम लोग, और फादर का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि फादर अगर पर्टिकुलर मेरे फादर की बात करी जाए तो उनके सैक्रिफाइस में आपको बयान नहीं कर सकता मैं क्या था, जो हूँ आज उनकी वजह से हूँ, जो आदर्श है, जो संस्कार है, जो है वो मेरे उनकी वजह से है, और बहुत बड़ा धन्यवाद हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने मेरे को ऐसे फादर दिए। सबके फादर अच्छे होते हैं दोस्त, मैं नहीं मना कर रहा सबके, पर मेरे फादर ऐसे अच्छे थे कि आज उन्होंने इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि आप मेरे पास आगे बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी। तो सैक्रिफाइसेस तो देखो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, हर माँ बाप बच्चे के अंदर सपना देखते हैं, मेरे फादर ने साइकिल से लेके 4-व्हीलर गाड़ी तक हर स्थिति में, हम लोग गाँव से आए थे, मेरे फादर साहब गाँव से आए थे, कुछ नहीं था, पापा ने 10 रुपए पे नौकरी की थी, बहुत बुरा टाइम था, मतलब बुरा नहीं कहेंगे, स्ट्रगल लाइफ थी, और वो जरूरी भी था, क्योंकि आज हम उसे, मैं क्यों कहता हूँ मैं छोटा सा प्लेयर, क्योंकि मैं आज जिंदगी में कुछ हूँ, बड़ा बनना ही नहीं, परमात्मा से आगे कुछ जाना ही नहीं, बड़े बन गए तो कहाँ जाएंगे, धरती मिलना है, तो इतना सोचते नहीं।
फादर ने जो किया वो भी जमीन से जुड़े थे, जब वो खत्म हुए उनकी महत्ता मुझे उस दिन पता चली कि उन्होंने जीवन में पैसा नहीं कमाया, उन्होंने अपना नाम कमाया। जिस दिन वो खत्म हुए थे, अब हमारे बीच में नहीं है, बट जो मैंने भीड़ कोविड के टाइम पे देखी थी, कोविड में आदमी प्यास बैठना था तो दूर आना पसंद नहीं कर रहा था, ये रोड बाहर पूरा मतलब गाड़ियों से भर गया था और यहाँ मेरे पे जगह बिठाने वालों की नहीं रही थी। तब मैंने जिंदगी में एहसास किया कि वो क्या कमा के गए, वो ये मकान ये दूसरे कमा के नहीं गए, वो एक नाम कमा के गए कि मेरे, मैं नहीं जानता उन लोगों को कितने लोग उनके पीछे आए। तो वही कोशिश करता हूँ कि मैंने फादर से सीखा है वो करूं और सैक्रिफाइस करें उन्होंने क्रिकेट के लिए मेरे। वो बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। कोई नहीं कोई नहीं। अभी जैसे एक कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, तो एक मध्य प्रदेश के बहुत बड़े प्लेयर ईश्वर पांडे, हाँ ना, चेन्नई से आईपीएल भी खेले, अच्छे दोस्त हैं, पुणे वॉरियर्स मेरे साथ थे और बहुत अच्छे गेंदबाज हैं वो। उन्होंने जब रिटायर लिया तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि काश धोनी मुझे एक मौका और दे देते तो मेरा करियर कुछ और हो सकता था, ऐसा उन्होंने। धोनी मतलब धोनी के इतने बड़े हैं क्या? अब ये क्वेश्चन किस तरफ आ रहा है कि धोनी मौका दे देते या क्या, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। धोनी ने किसको मौका नहीं दिया? उन्होंने ऐसा बोला, पता नहीं किस बारे में बोला। देखो हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते दोस्त, ये भी है। सबसे बड़ा अपने मन को सेटिस्फाई कर लो ना, सब कुछ सही है। कमी निकालने को तो मैं आपको भी कह दूंगा कि मेरे चैनल में आपने ये कमी कर दी, इस इंटरव्यू में नहीं पूछा। कमी निकालने में कमी क्या है? आप अगर मैं अच्छी नजरें मेरी अच्छी हो ना, मैं किसी को देखता हूँ, सपोज आप है, मैं आप मेरा नजरिया कैसा है, आपको लोग कहें कि अरे यार ये ऐसा, जैसे किसी की आंख खराब हो गई, अरे यार वो काणा है यार, मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि यार काणा होने के बाद भी उसका इंटरव्यू लेने का तरीका कितना अच्छा है यार, ये देखो है ना। आप देखिए उसे एक आंख से नहीं दिखता, पर वो तो एक आदमी दो आंख आदमी से ज्यादा काम करता है, ये नजरिए से देखो ना, अरे उसे दिखता नहीं काणा है। तो नजरिया अलग अलग है, तो अब कौन किस नजरिए से देखता है। पर जितने लोग मेरे ख्याल से एमएस धोनी के बारे में सोचते होंगे वो अलग सोचते होंगे, वो इस नजरिए नहीं रखते होंगे। काश अगर एक वर्ड आता है तो हो सकता है कहीं, देखो जब उनकी टीम भुवनेश्वर थे, कई सारे लोग थे, मोहित वोहित थे, तो हो सकता है उस समय मौका नहीं बन पा रहा हो और उन्होंने वो ठीक रहा ऐसा कह दिया, काश लगा दी ना, काश में शायद उनका ये था कि शायद मुझे मौका मिल जाता, काश लिखा हुआ। तो वो ऐसा मेरे ख्याल से ईश्वर पांडे इतने सुलझे हुए और बढ़िया खिलाड़ी हैं, हमारे मित्र भी हैं, तो उनका ऐसा कोई मोटो नहीं होगा एमएस धोनी को टारगेट करना। उनका जिंदगी से, जैसे मैं सोचूं काश मुझे मेरी इंजरी नहीं होती, इंजरी नहीं होती तो शायद मैं हिंदुस्तान खेल रहा होता, क्योंकि रवीश गावस्कर, सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने जिस लाइव टूर्नामेंट में मेरी इतनी तारीफ करी, अभी विजय में भी चर्चा चल रही थी इस चीज की, रवि शास्त्री भयंकर तारीफ की थी कि ये लोग कौन है ऐसी बॉलिंग दी थी। तो उसके बाद मैं इंजर्ड हो गया, तो मैं ये कहूँ काश मैं इंजर्ड नहीं होता, शायद हिंदुस्तान खेल रहा होता, फिर लक फैक्टर काश सब आ जाता है। इंजरी हिस्सा है एक फास्ट बॉलर का एज अ प्लेयर, आए सबका आता है या फिर फास्ट बॉलर का तो आएगा आएगा, क्योंकि फास्ट बॉलर एक लेबर वर्क है, मजदूर है, और मजदूर तो परेशान हो गई होगा, और फास्ट बॉलर परेशान होता है, बट रिपीट नहीं होना चाहिए और अवेयर रहना चाहिए। और इंजरी से मेरा कैरियर ही खत्म हो गया था पूरा, मैं सुनता था लोगों को, मेरा कैरियर इंजरी से ही खत्म हुआ, और इंजरी सारे प्लेयर को होती है, बट अपने आप को मेंटेन रखे, लाइफस्टाइल ठीक रखे। आजकल लाइफस्टाइल तो और ज्यादा ही खराब होती जा रही है, अब तो ठीक होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम घिर चुके हैं, जो आध्यात्मिक वर्ल्ड में कहोगे तो मोह माया में घिर चुके हैं हम लोग। तो वो क्योंकि आज जो आदमी सुबह 4 बजे उठने की बात कही थी, 8 बजे सो जाना चाहिए, और आज आदमी 2 बजे सो रहा है, सुबह उठ जा रहा है टाइम से, तो रेस्ट कहाँ हुआ, लाइफस्टाइल तो खत्म हो गई, तो लोड तो आएगा बॉडी पे, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो बहुत सी लाइफ है। जैसे आपने अध्यात्म की बात करी, तो आप भी मानते हैं बहुत ज्यादा ये चीजें, आपने भी एक सिक्स सेंस की बात करी है। देखो साहब 32 दांत है पूरे और खुल के सत्य बोलता हूँ, मेरे दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज्यादा होते हैं, क्योंकि मैं, मेरे को कोई लालच नहीं, मैं आपकी मक्खनगिरी करूं या मैं आपकी तारीफ करूं, भाई तारीफ से बढ़िया है मैं आपकी सच बोल दूं, कम से कम आप कहीं अच्छे तो रहोगे। अध्यात्म सच, 32 दांत बोले, सच बोलना, कभी किसी का गलत सोचा नहीं, कोशिश की कम मदद करने की, हमेशा स्वार्थ रखा नहीं कि मेरे ये फायदा कर देगा तो इसकी मदद करूं। आज ऐसे सिलेक्टर भी काम किया, कई लड़के परफॉर्म करके ड्रॉप हो जाते थे और हमेशा उनकी शिकायत रहती थी कि हम इतना करके आते हैं, आज उनको मौका मिलने लगा तो मैंने ये सोच के नहीं किया कि वो मेरे को तारीफ देंगे या मेरे को थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, एक अप्रिशिएशन मतलब चाहिए वो इंसान को, बट ऐसा सोच के नहीं कर सकते। तो अध्यात्म वाली बात है कि जीवन में सिक्स सेंस जो मेरा तेज हुआ और जो भी चीज हुई, शायद परमात्मा चाहता है कि पता नहीं क्या मैं बाबा बनने वाला हूँ, क्या बनने वाला हूँ, बट मेरी अभी तक की, आज आपके चैनल बोल रहा हूँ, हो सकता है ये बिल्कुल बात बोलने वाली नहीं है, बोल दे रहा हूँ, क्या पता कल गलत हो जाए, क्योंकि टोटका भी बहुत बड़ी चीज होती है, टोटके लग जाते हैं, बट आज की डेट में
अभी के समय अभी तक मेरी 90% भविष्यवाणी सही होती है। अभी आप बोल रहे थे कि लोग मेरे अभी चैनल पे के टॉक्स में मैंने एक वीडियो पहले ही बोल दिया था, और मैंने न्यूजीलैंड से था, लोग मैं डिबेट कर रहा था एक चैनल पे, तो मैंने बोल दिया था कि हम लोग जीत रहे हैं। फाइनल वाले दिन भाई बोला मेरे से कि भैया दोबारा से आते हैं फाइनल में, हालांकि मैं उसकी वजह से कर चुका था, बट मुझे ऐसा लगा मैंने आज मुझे कहीं से इंटेंशन आ रहा है कि फाइनल शायद हम लोग जा रहे हैं, तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, हालांकि मेरे चैनल वीडियो पड़ा हुआ है और मैं खुल के बोला था कि हम लोग फाइनल खेल रहे हैं और फाइनल जीतेंगे भी यही बोला था, बट दो दिन पहले मेरे को लगा नहीं मैंने अब वीडियो नहीं बनाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है शायद गड़बड़ कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या कहीं ना कहीं से कोई चीज आती है, अपने मन से आती है, किसी के लिए बोल देता हूँ तो हो जाती सही। बाइक से कई पैसे जीत चुका हूँ, जब आईपीएल चलता है तो हम लोग 2-2 रुपए की शर्त लगाते हैं, 20 रुपए जीत चुका हूँ उससे मैं। मतलब लोग आपसे पूछते होंगे फिर तो मैच के पहले, अब पूछने लगे हैं। अब तो कई सारे पूछने, भैया क्या होगा क्या नहीं, अब मेरे को बाबा नहीं बनना। मेरे को बाबा नहीं बनना, ठीक है वो एक्चुअली क्या है ना, देखो जब आप जिस फील्ड में है ना, आप अपने अपने फील्ड में है, तो आप दिमाग जब चलाते हैं कि यार ऐसा होगा, ये चीजें कंडीशन क्या कह रही है, तो कभी कभी गणित सही लगता है। गणित सही लगता है तो अभी जो क्रिकेट की पिच होती है ना, मुझसे बेटर आप नहीं समझ सकते, नहीं बिल्कुल नहीं, बट हम लोग अगर आकलन करने जाएंगे ना तो शायद मैं जीतूंगा आप फेल हो जाएंगे, विकेट कितना मोशर है, पर लोग क्या कहते हैं चमत्कार है भाई, इसकी बात में दम है, तजुर्बा है, तो गणित और तजुर्बा बोल जाता है बस काम का कि आपका। अभी एक लड़का आया मेरे पास प्रैक्टिस के लिए, वहां देखा मैंने तो एक फादर सा पूछ रहे मुझसे कि वो सर उसको देखिए, मैंने उसकी अभी जो जो बात बोली कि रन बनाता हुआ पूछ लेना कोई था वहां पे, मैंने वही चीज नहीं, हाँ सर, मैंने कि ये बैट्समैन लंबे रन बनाता होगा, मैंने तुम्हें 100 भी जल्दी बनाया, अगर हाँ सर एक हफ्ते पहले 100 बनाया था, मैंने उससे पहले भी जल्दी बनाया हुआ, बोले हाँ सर उससे पहले 2 दिन पहले 100 बनाया था, मैंने टोटल कितने 100 बनाए, कह रहे सर 5 मैचों में 300 है मेरे, जो बैटिंग कर रहे थे, हाँ बैटिंग कर रहे थे उस टाइम, तो मैंने मेरे को तो नहीं पता था, फर्स्ट टाइम देखा मैंने, और मैंने कहा आउट होते हो तो निपट के जल्दी आ जाते हो गए। अब इसी को लोग क्या सोचेंगे कि यार बाबा तो चमत्कार की दुनिया में आ गए, पर चमत्कार नहीं है वो, क्या है कि वो केवल उसकी बैटिंग से पता चल रहा है मुझको कि वो बैटिंग कैसी कर रहा है, उसके शॉट से पता चल रहा है मुझे, तो फर्क है कि ऑब्जर्वेशन। मैंने उसको एक चीज बोला और जी मैंने लिटरली मैंने एक आइडिया से बोला कि जब मैंने उसका बॉडी लैंग्वेज देखी, जब वो एंटर किया मैंने बड़ी बारीकी से उसे देख रहा था कि वो सुस्त था, थोड़ा दिमाग में कुछ चल रहा है, छोटा मैंने बोले दोस्त जब मैंने बिठाया मैंने पहले सबसे पहले चीज क्रिकेट खेलने के लिए अपने अंदर से दिमाग से निकाल देना कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर हो चुका हूँ, तो देखने लगा मैंने कहीं ना कहीं आपके माइंड में यह है कि शायद किसी ने बोला भी होगा आपको कि आप अपने आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़े क्रिकेटर हो चुके हो अभी से सोचने लगे हो, तो कह रहे हाँ सर ये मेरे अंदर है, मेरे बोला भी किसी ने, अब बताओ मेरे तो कुछ नहीं, अब सब चीज दिख जाती है सामने, तो ये ऑब्जर्वेशन और कुछ नहीं है बस, केवल चमत्कार नहीं है। एक और क्वेश्चन है, मतलब ऑडियंस ने पूछा बहुत, हाँ कि जैसे कोई मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं यूपी से क्रिकेट खेलना चाहूँ तो ऐसा पॉसिबल है या फिर कोई प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है? इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं जिंदगी में, उदाहरण बहुत तेरे पड़े हैं, बट यार मैं एक चीज तो कहता हूँ दोस्त कि जो माँ प्यार कर सकती है, जो बाप प्यार कर सकता है, जो घर में फैसिलिटीज मिल सकती है वो बाहर नहीं मिलेगी। कितने खेल प्लेयर मुझे बता दो कि आप जो अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट खेलने गए और कितने खेले, खेलने गए होंगे 100 तो उसमें तो 2 या 3 ही खेले होंगे, और अपने यहाँ से 100 खेल रहे होंगे तो कम से कम 30 तो खेले होंगे। भाई एक बात बताओ जी, मेरे घर में मेरे बच्चे को पहले मैं दाना पानी अच्छा दूंगा, बाहर वाले बच्चे को दूंगा? अदर स्टेट में पहले प्लेयर की कमी हुआ करती थी, अब प्लेयर इतने सारे हैं तो अपने प्लेयर को हटा के कैसे दूसरे प्लेयर खिला लेंगे, पर लोगों के तो भाई दूसरी स्टेट दूसरी, अरे यार ये कमी है लोगों की, भाई अपनी स्टेट में कंपटीशन से डर के भाग रहे हो, आप में कंपटीशन क्षमता नहीं है फेस करने की, मैंने बोला ना आप लड़ना नहीं जानते। ये वाक्य मैं बताता हूँ, सोमेंद्र तिवारी जी राजस्थान के, वो मेरे को बहुत पहले ले, मैं राजस्थानी हूँ और मेरी खेती भोलपुर में है, सब कुछ मकान वकान सब बना है, हाँ सब मेरे कागज वागज वोटिंग आधार सब वहीं का था मेरे पास, तो मेरे को नेट पे बोल डालते देखा, तो उन्होंने मेरे गुरु जी से कहा मैं इनको ले जाऊंगा राजस्थान, लिटरली आप मेरी बातें मानना नहीं मानना, मैंने बिल्कुल मना कर दिया, मैं खेलेंगे तो आगरा से खेलेंगे नहीं तो नहीं खेलेंगे, भगवान की कसम, और ये सच्चाई है मैं नहीं गया खेलने। अभी कितने लोग राजस्थान से खेलते बेचारे कटिंग निकलवाने में डरते हैं क्योंकि वहां पता ना चल जाए हम लोकल हैं बाहर के, तो भाई खेले तो शान से, कल अगले दिन पेपर में कटिंग तो निकले कि इनका लड़का खेल गया, तो भाई मेरे को तो नहीं पसंद, मैं खेला हाँ सडनली बहुत स्ट्रगल किया, पर कहते हैं ना जब आप सच्ची लगन से मेहनत करो, रस्सा जब चलता है पत्थर पे भी कर देता, तो मेहनत करता रहा, एक डाउन ऐसा आया क्रिकेट छोड़ने का ही मन किया, सब कुछ हुआ बहुत दिक्कत आई, पर पकड़ी गाड़ी तो फिर टॉप पे जाए खत्म हुई, क्योंकि वो जितनी मेहनत थी ना स्ट्रगल की वो आपको लंबा लेके जाती है, शॉर्टकट ना वो ज्यादा लंबा लेके नहीं जाता,
तो इसलिए खेलना खेलते हैं लोग, मना तो मैं किसी को नहीं करूंगा, वो कह रहे वो कहें, बट आप डरते हो, आप कॉम्पिटिशन को फेस करने, जो हम पहले टॉपिक में कर चुके हैं 140 फेंको ना, फेंको भगाओ विकेटों से, अरे देव बाउंसर है लगा भगा दो विकेटों से, ऐसी पावर में करो देसी मेहनत, ये कह नहीं सकते क्योंकि 150 कोई नहीं फेंकता, बहुत देर फेंकते हैं, तो आप फेंको बैटिंग ऐसी करो, बीट हो ही ना, हर मैच में 100 बनाओ, जहां आप 5 मैचों में 200 बना के सेलेक्ट नहीं हो रहे ना, तो 400 बनाओ, ऐसा नहीं है 400 नहीं बना सकता कोई भी, तो बनाओ, फिर कैसे इग्नोर हो गए, और 4 पे भी ना हो तो सोचो कहीं ना कहीं और मेहनत में कमी हो रही है, तो मेहनत से भागते हैं हम लोग, देखते हैं वहीं इजी कंपटीशन मिल जाएगा, ये वो गलत है, मेरे ख्याल से गलत है। और जैसे आपने बोला छोड़ने का क्रिकेट, ऐसा कब आया टाइम कि जब मन करा छोड़ने का? देखो ऐसा है कि जिस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं, मध्यम वर्ग परिवार में बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, जब लगातार अभ्यास प्रयास करने के बाद चीजें नहीं मिलती ना, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट आते हैं, कुछ चीजें जिंदगी की मैं शायद कैमरे पे ना शेयर कर सकूं, बहुत जिंदगी मेरे उतार चढ़ाव आए, एक समय ऐसा भी आया मैं शेयर नहीं करूंगा कि मैं खुद इतना खुद सेल्फ मोटिवेट बनता था कि मैं बहुत गलत ट्रैक पे चला गया था, कि मैं जिंदगी को समाप्त करने चला गया था, हाँ बट वो टॉपिक मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वो पर्सनल टॉपिक था, बट अंदर से इतना स्ट्रांग हूँ कि नहीं ये गलत चीजें हैं, अपने आप को मेरा खुद का, मेरा जो खुद का मोटिवेटर मेरा खुद का अपना आप है, अपने आप में खुद से मेरा गुरु मेरा खुद का मैं हूँ, अपने आप से बातें करता हूँ, गलत चीजें तो ऐसी चीजें आती हैं जिंदगी में, बट आप अपने उस समय अपने आप को गिरने मत देना कभी, कभी भी आपने अपने आप को गिरने दिया ना, गिरने का मतलब क्या है कि जब आप परिस्थिति खराब आएंगी, 2013 से लेके 2023 तक 10 साल मेरे इतने खराब आए, मैंने सब कुछ खो दिया, क्रिकेट खो दी, सब कुछ खो दिया, दुश्मन बने सब बने, फादर को खो दिया, फैमिली प्रॉब्लम्स आई, बहुत चीजें आई, बट आज दिन फिर से हुए, फिर चीजें आई, ठीक है उस फेज में नहीं आई, दूसरे फेज में आई, बट कहीं सेटिस्फेक्शन है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, गिरने नहीं देना अपने, अगर आप गिर गए ना, आपने अपना को छोड़ दिया, लगातार कर, आपने देखो ना जो 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस आज मुझे छोटी मोटी चीजों के लिए तो लोगों को पता ही नहीं चलता परेशानी, इतना एक्सपीरियंस झेल लिया, तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। और एक क्वेश्चन और था आईपीएल में सिलेक्शन को लेकर, कैसा क्या रहता है लोगों को लगता है आईपीएल में सिलेक्शन? देखो अच्छे प्लेयरों का ही होता है, हाँ मैं नेगेटिव नहीं जाऊंगा, अच्छे प्लेयरों का सिलेक्शन होता है, और अच्छे की हमेशा, गुणवान की हमेशा पूछे, आप गुणवान नहीं है, किसी काम के नहीं है, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपका दोस्त भी नहीं पूछेगा, केवल आपसे मतलब के लिए आएगा, और आप गुणवान व्यक्ति हैं तो कभी भूखे नहीं मरेंगे, कहीं नहीं पूछेगा, तो गुणवान व्यक्ति जो गुणवान क्रिकेटर जो अच्छा क्रिकेटर है जो सब में टॉपर होता है, नीड क्या है, मुझे अपने एक टीम के लिए, कोई मैं टीम बना रहा हूँ, अगर कोई कैमरामैन की है किसी तरह की चैनल की टीम बना रहा हूँ, तो जो अच्छा व्यक्ति होगा जिसको नॉलेज ज्यादा उसे लूंगा ना, सेम आईपीएल में जो टॉप परफॉर्मर होगा, करंट में अच्छा कर रहा होगा, वाइड बॉल से अच्छा खेल रहा होगा, अच्छा बैट्समैन होगा, रिक्वायरमेंट उसको टीम को किस तरह की चाहिए उसके हिसाब से वो लिया जाता है। हमारे यहाँ जो फॉर्मेट है वो रणजी ट्रॉफी फॉर्मेट है, हमारे फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट होती है रणजी ट्रॉफी, पर रणजी ट्रॉफी में भी आजकल सैयद मुश्ताक अली जो वाइट बॉल और विजय जारे ट्रॉफी से सिलेक्शन होते हैं। आप ये देखिए कि सारी फ्रेंचाइजियों के कम से इतने सारे लोग मैच देखने आते हैं, कौन प्लेयर अच्छा कर रहा है, बारीकी से नजर रखते हैं। मैं भी विजय जारे करके आया, सैयद मुश्ताक करके आया, मैंने देखा, बिलीव करना कि हर एक मैच में हर एक टीम का फ्रेंचाइजी स्काउटिंग कर रहा है, देख रहा कौन प्लेयर, और तुरंत हमारी टीम से सरदार साहब सिंह है, उसने रन बनाए 100, तुरंत उसका नाम ऊपर दिया, ट्रायल के लिए बुला लिया 12 तारीख को। तो फ्रेंचाइजी कमी नहीं कर रही, फ्रेंचाइजी की तरफ कहीं कमी नहीं है, कमी है तो वही हमारी तरफ से, एक प्लेयर हमसे बोल रहे कि भैया मेरा भी बात कर लो, रन तुम्हारे है नहीं, विकेट तुम्हारे है नहीं, बात किस पे करो, तो वो चीज प्लेयरों के दिमाग में है, आप अच्छे हो, अच्छे रन बना रहे हो, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो, तो आपको कोई रोकता, क्योंकि फ्रेंचाइजी के सारे आदमी वहां देखते हैं, आप नहीं आते क्योंकि वो मौका देते हैं, अब आपने कर दिया 100 वहां, अब वो आपको अपनी, देखो आईपीएल लेवल जो बहुत बड़ा मंच है, बहुत इंटरनेशनल मंच है, उस पे वो हर तरह से आपको परखते हैं, एक बार नहीं कम 10-10 बार ट्रायल लेते हैं वो, 10-10 बार, 10 बार ट्रायल, उनका मन है जितनी बार लो, 3-4 बार तो हमारा ही हुआ था, बिल्कुल भाई उनको पता है कि प्लेयर वहां जाके लैक नहीं करना चाहिए, ये उन परिस्थितियों में खरा निकलेगा नहीं निकलेगा, कंडीशन बदल बदल, हां भाई एक बार चेक कर लिए गलती से 100 बना सकते हो, पर हर बार आपका पोटेंशियल कैसा है वो तो 10 बार चेक करने पे पता चलेगा ना, तो कई बार क्या कहते हैं कि साहब मैंने 100 बनाया ट्रायल पे तो बुलाया पर मेरा किया नहीं, अरे तूने वहां नहीं किया होगा कुछ, उनको नहीं लगा होगा ऐसा, कोई भी अच्छे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहता, हीरा अच्छा चमकता है अंगूठी में अच्छा लगता है तो तुरंत कहती है भाई ले लो मेरे लिए, तो कोई नहीं छोड़ता, ठीक है। अभी जैसे आप रणजी बता रहे, रणजी टीम को सब लोग जानते हैं, रणजी ट्रॉफी होती है, लेकिन ये विजय हजारे ट्रॉफी, रानी कप, इसका थोड़ा सा बता दें, अलग अलग क्या?
रणजी ट्रॉफी, देखो मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में रणजीत सिंह एक महाराज हुआ करते थे, अंग्रेजों की दी, अंग्रेजों का गेम है, और रणजी ट्रॉफी पुराना मतलब उनके नाम पे रणजी ट्रॉफी जो 4 डेज क्रिकेट है, 5 डेज 4 डेज जो टेस्ट क्रिकेट होती है उसे रणजी ट्रॉफी कहते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी है जो 50 ओवर का गेम होता है, वनडे फॉर्मेट होता है, उसे विजय हजारे कहते हैं। हाँ, ये सभी एक बहुत ही सीनियर मोस्ट पुराने खिलाड़ियों के नाम है, है ना, जो क्रिकेटर थे बड़े, उन्हीं के नाम पे बीसीसीआई ने नाम रखे हैं और ये उनको एक सम्मान दिया है। सैयद मुश्ताक अली T20 फॉर्मेट है, और T20 फॉर्मेट आप देखते हैं कैसा है, तो सबके अलग अलग नाम रखे, जैसे सीके नायडू है, सीके नायडू एक बहुत पुराने क्रिकेटर है, वो 23 विजय मर्चेंट है, कुछ बिहार है, अंडर 19, ऐसे कई सारे सबके नाम है। ईरानी ट्रॉफी जो होती है उसमें जो एक रणजी ट्रॉफी में जो फाइनल टीम जीतती है और पूरे इंडिया के जो रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस करके जो टॉप एक टीम बनती है उसका ईरानी ट्रॉफी। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। जैसे रणजी ट्रॉफी चलती है 4 डेज 1.5-2 महीने टूर्नामेंट चलता है, उसमें जो टीम फाइनल जीतती है एक वो टीम अगेंस्ट जितनी भी रणजी ट्रॉफी टीम खेली पूरे इंडिया के अंदर उनके टॉप परफॉर्मर एक टीम वो मैच चलता है। इंडिया खेलना है तो सारे मानकों से आपको निकलना पड़ेगा, हर जगह रन बनाने पड़ेंगे। और सर, नारा टीवी के राइटर है सुरेंद्र भाई, उनके 2 क्वेश्चन है। एक, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट, रिग्रेट मतलब कि पछतावा है, या रिग्रेट तो किसी वर्ड को भी हम ले सकते हैं। लाइफ का पछतावा अभी जो महसूस करता हूँ, फादर को खोना, ठीक है, वो जिंदगी का सत्य है, ठीक है, उसे दुनिया का कोई आदमी भुला नहीं, मतलब जुड़ला नहीं सकता। पछतावा तो होना ही नीचे जिंदगी में, क्योंकि जो होता है सब विधाता के अनुसार होता है और सारे अपने कर्मों के अनुसार होता है, जो मेरा मानना है, जो आध्यात्म में जाए तो पछतावा क्यों करना। चीजें जो मिस हुई अगर उस चीजों से ले सकते हैं हम पछतावा, मतलब एक चीजें जो हमें खराब हुई, सफलता जो हुई तो पछताते रहेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं तो एक चीज बोलता हूँ कि अपने पास से चीजें उठाओ, अपने कहाँ क्या गलती की, और फ्यूचर में मत जाओ, बस प्रेजेंट में प्रोसेस में ध्यान दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपने जब क्वेश्चन पछतावे का पूछ ही लिया कि पछतावा या मेरे से ऐसा क्या लगा जो मैं जिंदगी में महसूस करता हूँ, नहीं करना चाहिए था, हाँ नहीं करना चाहिए था, तो मुझे जो मेरी इंजरी में मेरे को इंजेक्शन लिया था दर्द का वो नहीं लेना चाहिए था। आगरा एक छोटा शहर है जहाँ अच्छे फिजियो, जो स्पोर्ट्स फिजियो वो नहीं है, अच्छे स्पोर्ट्स के डॉक्टर नहीं है। आज भी हम लोग को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई। शायद सीनियर ऐसा कोई नहीं था बताने वाला, हो सकता उसको इस चीज का पता ना हो, तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज जो मेरी लैक करी, जो मतलब मैं वो पछतावा मान सकते, पर मैं उस चीज को पछतावा नहीं कहूंगा। शायद मेरे किस्मत ऐसी थी कि मैं अपने हाथ से अपनी क्रिकेट छोड़ बैठा। पछतावा कुछ नहीं है, बस पछतावा ये है कि जिंदगी भर एक मैं जो मैं देखो क्रिकेट को किसी को दोष नहीं देना चाहता कि मैं उसके लिए पछताऊं, किसी ने सबने मेरे लिए किया, नीचे से लेके ऊपर तक सबने मेरे लिए किया, और जितनी क्रिकेट खेला मैं सेटिस्फाई हूँ, किसी चीज का कोई पछतावा नहीं। बस एक पछतावा है जो ना करना चाहिए फिर भी मन में बार बार आता है, केवल फादर का, क्योंकि फादर नहीं है आज लगता है कि यार पीछे कोई ऐसा हाथ नहीं है। हालांकि फादर ऐसा कुछ नहीं, पर हजीत था जो पीठ भारी रहती थी। एग्जैक्टली, आज पीठ भारी नहीं है। आज शायद इस बात को भगवान जानता होगा कि मैं अपने फादर को कितना मिस करता हूँ, कितना क्या, शायद ही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भावुक हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कि आंसू निकालने लगूं, बट अंदर कितना मैं परेशान रहता हूँ हर एक चीज में। जीवन में आगे आने के लिए फादर का बहुत, माँ का रहता रहता है बट फादर का बहुत बड़ा रोल रहता है। ये पछतावा मुझे आज है कि सडनली वो बीमार हुए और मैं उनको बचा नहीं पाया। ये सत्य भी पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। जब डॉक्टर नहीं मना कर दिए, डॉक्टर नहीं कुछ कर पाए, तो इस चीज का जिंदगी भर पछतावा रहता है मुझे। बाकी लाइफ से कोई पछतावा नहीं है, लाइफ ने बहुत कुछ दिया, इतनी खूबसूरत दुनिया है, परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, ट्रॉफी बहुत है। सबसे बड़ा सुख है, आप अपना कैमरा लेंगे ट्रॉफी तो दिखेंगे, पर सबसे बड़ा सुख है कि जब 2-4 लोग बोलते हैं ना, भाई क्या बॉल फेंकता था यार, वो भाई इससे बड़ा क्या, कितना सुख है। हो गई इंडिया, कोई कह दे कि यार ये बड़ा तेज फेंकता था, इसने एक बार बैंगलोर टीम पूरी बैकफुट पकड़ दी थी, होगी इंडिया अकेले बैंगलोर पूरा
हाँ एक केएससी में टूर्नामेंट चल रहा था, उसमें इंजर्ड हुआ था मैं, पर जब तक बॉल डाला था तब तक पीछे पैर कर दिए थे। पीछे पैर मतलब बैकफुट में भागने लगे थे डर के मारे, इतना तेज फेंक रहा था। और औकात से ज्यादा तेज शरीर का जोर लगा दिया, इसकी वजह में अनफिट भी हो गया उस मैच में। तो मैच हम हार भी गए, बट मैं जब तक चार विकेट ले चुका था, पर वो एक पार्टनरशिप स्टुअर्ट विनी और उनकी, वो मैच जिता गए। केएससी का टूर्नामेंट था। तो वही है कि पछतावा नहीं, जिंदगी ने बहुत कुछ दिया है यार, दो नौकरी दी है, सब कुछ दिया है, क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है। आप हम बैठे हैं केवल क्रिकेट खेल के लिए बैठे हैं, बट मेरा एक ही है कि मैं क्रिकेट को सब, क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है, क्रिकेट ने मुझे नाम शोहरत बहुत, लिमिट किसी चीज की नहीं भाई जिंदगी में, लिमिट किसी चीज की नहीं है, आशा नहीं, जो दिया बहुत है, बहुत है, मिल जाएगा तो भगवान का प्रसाद है, और आगे उसकी मना नहीं करते, लालसा नहीं रखते कि नहीं उसके बिना मर जाऊंगा और मेरा कुछ चलेगा नहीं, नहीं भाई सब कुछ है, कोई पछतावा नहीं, अच्छा परिवार है, हर एक मोमेंट पे हर एक पल में आप खुश रहिए बस। और जब जब आप खुश रहेंगे ना तो पछतावे सब खत्म हो जाएगा, और भगवान भी उसका साथ देता है जो अपने बुरे वक्त अपने आपको संभालता है और हैप्पी रहता है, हैप्पी फेसेस में। और दोस्त एक बात याद रखना कि जिंदगी में कि अगर आपको कष्ट नहीं आए तो आसान जिंदगी जीने से फायदा भी नहीं है, आसान जिंदगी कोई जिंदगी है, और जो हार गया उन कष्टों से तो वो भी कोई जिंदगी नहीं है, वो भी लूजर। लड़ते रहो जिंदगी में, लड़ो और करते रहो, मतलब कौन, देखो हर आदमी अपनी नौकरी से परेशान, सैलरी से परेशान, गर्लफ्रेंड नहीं है तो परेशान, शादी नहीं हुई है तो परेशान, शादी हो गई तो परेशान, गर्लफ्रेंड है तो परेशान। देखो सबसे सुखी जीवन में कौन है, अब मैं थोड़ी बातें क्रिकेट छोड़ के धार्मिक ला रहा हूँ, सन्यासी सबसे ज्यादा सुखी है, रियल सन्यासी है। हम लोग क्यों दुखी होते हैं पता है, हम लोग दुखी है कि हमारी इच्छाएं बहुत है, परिवार मालूम है कर्तव्य है, माँ बाप बहन भाई सबकी, ये फंसे उलझनों में। सन्यासी क्या है, दो वक्त का खाना मिल रहा है, राधे का नाम कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं दुनिया जाए भाड़ में। और सत्य यही है कि भगवान का नाम लेने आए हम लोग, बट हम फंस जाते हैं कि नहीं एक चार व्हीलर जो फोर व्हीलर गाड़ी होनी चाहिए, वो नहीं है तो उससे बड़ी होनी चाहिए, यार उसके पास इतना पैसा है, एक प्लॉट लेना है मुझे। अरे भाई तुम कि रोटी तो दो ही तीन खाते हो गए, चार खाते हो गए, आज 15 खिलाऊंगा नहीं पेट खराब हो जाएगा हो जाएगा, पर कमाने की सोचते हैं 15 की डेली सोचते हैं, 20-25 रोटी कमाने की सोचते हैं हम डेली, दिमाग में वही चलता है कैसे कमाऊं, चाहे रिक्शे वाला क्यों ना हो और चाहे अम्बानी क्यों ना हो, एग्जैक्टली सोच वही रहती है कमाने की, खाते कितने, दो ही रोटी, पर वो बाकी की रोटियां कौन खाता है, परिवार वाले या फिर परिवार वाले खाते हैं, सीधी सी बात है भाई, तुम्हारा मेरे फादर का कमाया मैं यूज कर रहा हूँ, कितना कर पाए, मेरा कमाया आगे यूज करेंगे, बट मैं क्यों, मैं कमाया मैं यूज करूंगा, आगे तू मेहनत कर, तेरे को संस्कार दूंगा, तेरे को आदत दूंगा, ऐसी मेरा सोचना ये है। मैं नहीं कमाने लाखों, मैं भाई मैं जिस पोस्ट पे हूँ, मैं उस पोस्ट पे अगर कमाना चाहूँ दो नंबर, तो बहुत सारी चीजें मेरे पे, नौकरी करूँ दो नंबर काम पर, करना नहीं मेरे को ये सब चीजें, गंदगी की तरफ कभी मत जाना, बट आपका जो काम है वही मेन है, आप परमात्मा में बिलीव रखो, दो वक्त मान सम्मान मिलना चाहिए, आप बाहर निकल जाओ आपके पीठ पीछे तारीफ हो रही है ना तो आपने वही धन कमाया है, और आपने पीठ पीछे तारीफ नहीं कमाई दोस्त तो जिंदगी में दौलत शोहरत लोग पर, देखो कलयुग है भैया, कलयुग में तो करना ही है, पर जितना अच्छे बना लो, दूसरे में कमियां मत ढूंढो, वो ऐसा है ये ऐसा है, सेटिस्फाई मत करो, बहुत सारे मूल मंत्र हैं, कई सारे आपके क्वेश्चन रह जाएंगे वरना मैं तो बहुत अंदर चला जाऊंगा डीपली। ये सही बात है ना, ये बच्चों के लिए दौलत मत छोड़ के जाओ लेकिन संस्कार, ये मेरे पापा भी ऐसा बोलते हैं, संस्कार बहुत जरूरी है। देखो आजकल जितने भी महिलाओं के उनके डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, केवल संस्कार, हम अपने बच्चों में, परिवार बेटों में बेटियों में संस्कार नहीं देते, बेटा किसी खराब है हम वो चीजें नहीं सिखा रहे, हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। मैंने क्या बोला, सन्यासी का जीवन क्यों सुखी है, देखो भूखा कोई नहीं मरता हिंदुस्तान के अंदर, मैं एक बात बोलूं कोई भूखा मर ही नहीं सकता, हमारा देश ही ऐसा है, हराम हमारे, तुम बस एक बार बोलो तो सही, दान पुण्य करने वाले खड़े हैं, इतने वैसे कोई ऐसा नहीं, कोई भूखा पड़ा हो रोटी नहीं देता, आजकल तो चलो वीडियो बनाने के बहाने देते हैं ये भी मान के चलो, तो भूखा कोई नहीं मरता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती कि साहब ये नहीं हो रहा, वो उधर खेल गया, मैं क्या सोचा था कि मैं आईपीएल खेलूंगा, पैदा हुआ था कि मेरे घर वालों ने सोचा था क्रिकेटर बनूंगा, नहीं, पहला सपना स्टेप बाय स्टेप, हाँ इंडिया एम था, पर पहला सपना ये खेलूं फिर ये खेलूं, धीरे धीरे खेला आईपीएल, नहीं सोचा आईपीएल भी खेला, हाँ इंडिया सोचा था वो नहीं खेला, क्यों, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो मिलता ही नहीं, जो मिलना है वो तो लिखा है परमात्मा देगा, तो सोचो मत, केवल प्रोसेस में बिलीव करो भाई, आप ये मत सोचो कि मैं आज मेरा काम है अगर चाय पीना तो, ये नहीं कि मैं ऐसे करके और अच्छी चाय स्टाइल, नहीं भाई जो काम है
किस लिए पी रहे हैं वो काम करो और प्रोसेस में बिलीव करो, वो ईमानदारी से करो। ईमानदार इंसान किसी का 10 रुपए का नोट भी वो आराम का है, मिल भी जाए ना रोड पे। मेरे कई बार मैं देखो अब तारीफ सुनना चाहते तो सुन लो, पेपर में भी आया, झूठ नहीं बोलूंगा। एक बार मुझे 1 लाख रुपए पड़े मिले थे। हाँ, ये मुझे पड़े मिले थे, एक लंबा वाक्य है, काफी लंबा समय हो जाएगा। एक जगह में कहीं गया था कॉलोनी में, तो किसी ब्लैक पैकेट में 1 लाख रुपए पड़े। उस समय लाल नोट चलते थे, 1000, 1000 रुपए, 500 के होता था लाल। तो मैं सडनली किसी को लेने गया, दरवाजा खोला तो जैसे देखा तो उसमें कुछ गड्डियां बाहर निकल रही थी। गड्डियां थी एक, मतलब कुछ ऐसा लाल, मैंने देखा तुरंत ही उठा के। दो दिमाग होते हैं, देखो दो चीज बताऊंगा, एक दो दिमाग होते हैं और दो जिंदगियां होती हैं, एक पर्सनल एक सोशल, सोशल होता है, और एक दो दिमाग शैतान का और एक भगवान का होता है, है ना। जैसी देखा मैंने, देखा फटाक से लिया और गाड़ी में डाल लिया, दिमाग शैतानी काम कर गया यार। भाई पैसे मिले किसी का ईमान डोल जाएगा भाई, सीधी बात है, चैनल बोलना नीचे, एक लड़की और एक पैसा ईमान डोलाती है। आपने वहां कंट्रोल कर लिया ना, वहां परमात्मा की बात सुन लो, जिंदगी में कुछ नहीं होगा। हम क्या करते हैं, पैसा देखा और यार मजा आ गया यार, जो हो गया वो हो गया। सडनली जो काबू करते हैं, एक परमात्मा की आवाज कहीं से इंडिकेट करती, नहीं बॉस ये जिसके गिरे हैं उसके उसके हैं, उसको देने उसके देने चाहिए। मेरे को लगा नहीं यार, लाख से देखो किसी की कितनी दौलत मिल जाए यार, कितने दिन चल जाएगी यार। अभी लोग, मैं जैसे एक चीज है, एक नौकरी है, उसमें 300-400 लोग के लिए अपना ईमान गिराते हैं। घोटाला भी करो कम से कम, करोड़ों का करो, 300-400 क्या घोटाला कर रहे हो, उसमें खुश लोग। तो सोच ऐसी है इंसानों की, ओह पता नहीं टॉपिक हमारा किधर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं कोई नहीं। तो भैया कि वो जब पैसे मिले तो मैंने उसे देखा, फिर मैंने सोचा नहीं यार जी किसी गिरे होंगे तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी के। बट उस समय आपको थोड़ा विवेक से काम लेना चाहिए, क्योंकि हर आदमी पैसे के देख के नींद खराब हो जाती है। वो क्या सोचता है, किसी को भी 100 का नोट दिखाओगे नाम तो किसी का नहीं, गांधी जी उस पर, वो मेरा है, मेरा है, मेरा मेरा गिरा है, मेरा गिरा है। आप उसे रखिए, मैंने भी सोचा कि भाई किसी का गिरा है, जाहिर सी बात है वो ढूंढने जरूर आए। वेट किया 10-15 मिनट, वेट किया, गाने लगा दिए, मेरी गाड़ी इनोवा थी उसमें गाने सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। कोई ऐसा वहां ज्यादा चलता फिरता रोड नहीं था, कोई दिखा नहीं मुझे, मैं भी लगा कि अब तो शायद ये मेरे, और मेरे साथ एक बार नहीं कम से कम कई बार हुआ है। और अब बिलीव करना, भगवान की सौगंध खा रहा हूँ मैं, ये झूठ नहीं बोलूंगा आपके चैनल पे, जब जब हुआ है हमेशा पूजा के काम में लगाया, रुपया यूज नहीं किया। एक बार जागरण कराया, एक बार कुछ कराया, क्योंकि वो पैसा मेरा ही नहीं, वो भगवान के काम का पैसा है। तो वो मिला और सडनली जब मैं निकलने वाला था, वहां दो व्यक्ति मुझे एक्टिवा पे दिखे आते, वो कुछ बात कर रहे थे, देख रहे थे। तो मैंने शीशा खोल के और मैं देख लगा, क्योंकि बात हो रही यहाँ गिरा, मैं समझ गया यही व्यक्ति है। मैंने क्या हो गया भाई साहब, अरे कुछ नहीं वैसा, वो कुछ पैसे गिर गए। तो मैंने कैसे क्या थे, तो उनको लगा कि ये इसको पता है। तो मैंने कि नहीं आपको मिले क्या, मैंने मुझे नहीं मिले, बट आपके क्या कैसे, बोले कि अरे हम जा रहे थे, वो शायद बिल्डर से 2 लाख थे मेरे ख्याल से, 1-2 लाख रुपए थे जहां तक मुझे याद है, मैं भूल गया हूँ, बहुत पुरानी बात है, पर पैसे 1 लाख से ऊपर थे। तो मैंने कहा कि कैसे, बोले कि सर ऐसे हम बिल्डर का काम करते हैं तो उसमें पैसे थे तो वो पैसे गिर गए थे। तो मैंने कैसे, बोले काले ब्लैक कलर के थैली में रखे थे, जो मांस वास लेके आता ना वो ढक जाती, काली पॉलीथिन उसमें थे, ब्लैक पॉलीथिन थे तो उसमें। तो मैंने उसको ऐसे निकाला, मैंने ये आप कैसे, वो लिटरली इतना खुश हुआ, उसने मेरे को अमाउंट भी ऑफर किया, उसने उसी बंदे ने शायद मेरा पेपर पेपर में निकलवाया शायद, निकला। अगले दिन मैं शॉक्ड हो गया कि ये खबर पेपर में कैसे आ गई, पता नहीं कहाँ से जो भी हुआ। तो ईमानदारी आपको टॉप पे ले जाती है दोस्त, मैं टॉप पे नहीं पहुंचा हूँ बट मैं अपने आप में कहता हूँ बहुत टॉप पे हूँ, सुखी हूँ, कष्ट तो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और है सुरेंद्र भाई, इंडिया वर्ल्ड कप में इतना करीब आके भी क्यों वापस वही सब होता है? देखो सर, इंडिया नो डाउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और वर्ल्ड कप में आके इसे हार नहीं कहेंगे। देखो अगर हम सेकंड मैच हार जाते, दूसरा मैच लीग का हार जाते तो वो हार नहीं होती, बट हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ भी बढ़ गई। हमारी एक्सपेक्टेशन है जम के ना, 2 रोटी के 15 रोटी सोचने लगे, ट्रॉफी हमारी, वो भी तो जीतने आए हैं, आपने सपने देख लिए कि अब तो हम ही जीतेंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जो कारण पूछ रहे, तो मुझे कारण ऐसा लगा कि वो हम कहीं ना कहीं जो विकेट जो स्लो था उसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं लैक किए। एक विकेट का मुझे थोड़ा सा जो मैं, मेरा खुद का पर्सनल वो है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल मैच में स्लो विकेट नहीं होना चाहिए था। तो जो कि जैसे हम लास्ट सेमीफाइनल खेले विजय उसमें न्यूजीलैंड से, सही विकेट था, खेलते क्रिकेट, पता नहीं क्यों ऐसे हम लोग को क्या परिस्थिति हो गई, ऐसा विकेट ऐसा मिल गया हमको, तो एक वो कारण है। दूसरा हम उसके बाद भी टॉप पे थे, हमने थोड़ी सी जल्दबाजी करी, हम ओस के फैक्टर में बह गए कि ओस गिरेगी ये होगा, हमने सिराज जैसे बॉलर को पूरे नहीं कराए, सारे ही बॉलर यूज कर डाले, बहराने लगे, सामी जैसा बॉलर विकेट लेने भाग रहा है। आपको पता है कि हम 242 शायद में 40-42 टारगेट था, इतना ही था। तो
बॉल टू बॉल खेलते रहते, कहीं ना कहीं विकेट आता, दो बॉल डॉट होती तो एवरेज छह का आता, छह का एवरेज इजीली नहीं बनता, नहीं बनता। वो उस गिरती तब की तब देखी जाती, वो आपके हाथ में नहीं था, बट आप अपनी उम्मीद से ज्यादा करने सोचने चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां कहीं ना कहीं केवल वो स्थिति रही, वरना ऐसा कुछ, देखो ज्यादा इस विषय में बोलना बेवकूफी है, पर यह है कि ओवरऑल हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, शेरों की तरह क्रिकेट खेले, मतलब हमारी बैटिंग और बॉलिंग अलग ऐसी थी कि वो बच्चा बच्चा जानता है, बट उम्मीदें इतनी लगी तो इसलिए लोगों को दुख भी हुआ, क्योंकि ये दुनिया, ये हिंदुस्तान सॉरी हमारा बहुत सेंटिमेंटल है और भावनाओं में रहता है। मेरा एक चैनल पे डिबेट हुआ चार पांच लोगों से, पाकिस्तानी पत्रकार भी थे, तो बार बार एक ही चीज पूछ रहे कि ऐसा क्या, मैंने भाई सुनो ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना, हम पाकिस्तान और इंडिया ना, पाकिस्तान आसपास नहीं, हमारे आसपास नहीं है, क्रिकेट में तो नहीं है और वैसे भी किसी चीज में नहीं है, क्रिकेट का जब करते हैं ना हमारे, पर जो संबंध है ना उस देश से, उस संबंध को देखते हुए यह त्योहार मनता है। वो त्योहार क्या होता है, अब देखो ना फाइनल मैच, अगर वर्ल्ड कप फाइनल हो वो भी इंडिया पाकिस्तान का, या नॉर्मल कोई श्रृंखला का मैच हो इंडिया पाकिस्तान का, रूफ टॉप सज जाते हैं भैया, स्क्रीनें लग जाती हैं, टिकटें बुकिंग हो जाती हैं, वो मेला लगता है, तो इस वजह से लगता है कितना बड़ा मैच है, और ना ऐसा कोई मैच नहीं होता। इंडिया बहुत ऊपर है पाकिस्तान से, कोई मतलब ही नहीं है। T20 एक शॉर्ट फॉर्मेट गेम है, T20 में क्या होता है कि T20 में भाई कभी किसी की तरफ जा सकता है, तो वहां कभी कभी पाकिस्तान थोड़ा सा अच्छा खेल जाते तो सोचते कि हम बहुत बढ़िया हो गए, तो कुछ नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन, मतलब एक बार सुना था आपके साथ कोई साधु महात्मा ने कुछ बोला था आपको, कोई कुछ बोला था कुछ ऐसा, मतलब मेरे को सब बोला था भविष्यवाणी, पर सही हुई बात में। एक्चुअली ये तार जो कनेक्शन है वो दिल के बहुत लंबे लंबे खींच रहे हैं, और वो लंबे बहुत हैं, क्योंकि शॉर्टकट में शायद समझ में सब बोला गया था कि लोग मानते हैं, कोई ग्रह मानता है, कोई समय मानता है, कोई मेहनत मानता है, मैं कहता हूँ मानना चाहिए मेहनत, मेहनत जरूरी चीज है, बट सारी आप देखो ना समुद्र मंथन जो हुआ था केवल देवताओं थोड़ी हुआ था, उसमें राक्षस भी थे ना, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें होती हैं, ग्रह जो होते हैं जो बनते हैं, किसी ने भविष्यवाणी करी, कहते हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि कर्मों के अनुसार बनते हैं, और ये मैंने बिलीव कर लिया, पहले नहीं मानता था। मेरे जो क्या बोलूं इसमें, तो ग्रह की बात है, चलो बोल देता हूं, आपने पूछा तो अब मानना है मानना, नहीं तो मेरे, मैं तो मानता हूं। हुआ क्या था कि 2012-13 जब मैं IPL खेल रहा था, तो मैं जब 13 के बाद मैं अनफिट हुआ, तो जब आदमी का समय खराब आता है ना, तो आदमी फिर सबकी तरफ भागता है, एटलीस्ट चाय वाले तक की सलाह ले लेता है, मान लेता है, क्योंकि बुरे वक्त में हर आदमी उसे लगता है कोई ना कोई मेरे लिए कोई उम्मीद की वो लेके आए। जब परिस्थितियां उल्टी होती गई, टीम से बाहर हुआ, रणजी ट्रॉफी से मेन प्लेयर था, सारी चीज उल्टी होती गई तो नहीं मानता था ज्योतिष वगैरह, तो मैं फिर पूजा पाठ में बिलीव हो गया, भागवत होने लगे घर में, भागवत कथा होने लगी, तो आचार्य जी आए, तो उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने देखा यार तबड़ा खिलाड़ी एकदम नीचे कैसे आ रहा है, तो उनसे उन्होंने कहा मैं अपने गुरुजी से बात कराऊंगा, क्योंकि वो शायद 102 साल के गुरुजी थे गुजरात के, 102 वो उनके गुरुजी थे, तो उन्होंने मेरी कुंडली वुंडली दी होगी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये ऐसे ऐसे हैं, तो उन्होंने पूरा देखा, तो बोले अब बताइए क्या बात करनी है, और बड़े स्लो बात करते क्योंकि उम्र का वो था, उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने बताइए गुरुजी, अच्छा मैं उस समय ये ज्योतिष विद्या मैं मेहनत मानता था कि मेहनत ही सब कुछ है, बट आज मैं सोचता हूँ कि मेहनत है पर भाई ये चीज भी माननी पड़ेगी, परमात्मा को मानना पड़ेगा, माँ बाप को मानना पड़ेगा कि माँ और बाप के पैरों में वो शक्ति है, वो दुनिया की किसी ब्रह्मांड में किसी में कहीं शक्ति नहीं है, आपने माँ बाप की सेवा कर ली ना, जीवन में कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं होगा, मरे हुए जगह से लौटाओगे आप, जहां मरने वाले हो वहां से लौटाओगे, माँ के चरणों में और बाप के चरणों में जय आशीर्वाद, ये चीज रहती है, बट लोग नहीं मानते। हाँ पर्सनल, एक बीच में काटो, पर्सनल लाइफ सोशल लाइफ क्या होती है, पर्सनल लाइफ हम जो जीते हैं जिसमें दिल खुश रहता है, सोशल लाइफ क्या होती है जो हम दिखाते हैं। कोई बहुत बड़ा लड़की बाज है, बोल रहा हूँ वैसे बोलना नहीं चाहिए, क्या होता है अरे नहीं सर मैं नहीं, कौन आप मान सकते हैं कोई लड़का लड़कियों से दूर भागता होगा आज की डेट में, बट कोई दिखाना नहीं चाहता, कोई दारू पीता है ना, सडनली दारू पीता है और उससे बोलो दारू पीता है, अरे बट उसका एक वो लाइफ होगी उसकी, तो वो अपनी वहां पर्सनल लाइफ जीता है, उसमें खुश रहता है, और मैं कहता हूँ जीनी चाहिए पर्सनल लाइफ, क्यों नहीं जीते भाई, पर्सनल लाइफ जियोगे नहीं तो जिंदगी नहीं, सोशल लाइफ क्योंकि हमारा हिंदुस्तान और सोशल ऐसे हम लोग हैं, तो हमें वहां वो दिखा नहीं सकते, कि वहां फिर उसी नजरों से हमें देखता है, तो दो तरह की लाइफ होती है, बट कोशिश करना कि जिसमें मजा आए ना वो पर्सनल लाइफ जीनी चाहिए, एग्जैक्टली, बट किसी का नुकसान ना हो। और हम जो चर्चा कर रहे थे ग्रहों की, जो बात करें बीच में छोड़ दिया था, तो उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने कहा ठीक है बताइए, मैं मेहनत पे बिलीव करता था, तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है कि
बेटा तेरे क्या पूछना चाहता है कि मैंने कैसे इंजरी हुई? बोले अब तो तेरा समय सही नहीं है। तो मैंने कहा मतलब इसके ऊपर की बात है, जहां बैठे इसके ऊपर के फ्लोर था और ऐसे ही बेड पे बैठे थे, उस साइड बैठा था मैं और गुरुजी मेरे साथ बैठे थे जो मेरे कथा मेरे यहाँ कर रहे थे। तो मैंने क्यों गुरुजी? अच्छा मैं उनको मजाक में ले रहा था। तो गुरुजी ने बताया कि बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आजकल शायद वो मेरे ख्याल से अब नहीं है हिंदुस्तान, मतलब शायद अब खत्म हो गए वो। तो मैंने कहा बोले तुम्हारे ग्रह तो बेटा, मैंने कैसे ग्रह हैं? कह रहे राजयोग है तेरे में। राज? मैंने काय का राजयोग है समझ में नहीं आ रहा। कह रहे अभी नहीं है पर। तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा गुरुजी मैं इंडिया कप खेलूंगा, एक ही सपना होता है खिलाड़ी का जो क्रिकेटर होता है इंडिया खेलने का। इंडिया? तो उन्होंने मुझसे बोला कि इंडिया क्या होता है मुझे तो नहीं पता। अच्छा वो तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो ना, क्या पता इंडिया टेनिस ये बैडमिंटन ये क्या पता। तो कुछ मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा नहीं सही नहीं होंगी जो जो बात बोली। तो लास्ट टाइम मैंने पूछा कि कब तक है? तो बोले बेटा तुम्हारा गुरु खराब है और बहुत ज्यादा नीच का गुरु है और अब समय सही नहीं है। तो उन्होंने उपाय बताया। मैंने गुरु जी आप कह रहे हो मैंने कब से खराब है? कह रहे तुम्हारा 2004 से खराब है, 2 से। तो मैंने कहा आप ये झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने मैं मान ही नहीं सकता। कह रहे क्यों? कि मैंने कहा कि 4 से अगर 2 से खराब होता तो मैं तो अब तक आईपीएल खेल गया भाई, मेरा खराब होता तो नहीं होता कुछ भी। कह रहे बेटा बात पूरी सुनो, तुम्हारा गुरु शुरू से 2002 से खराब है पर अप डाउन वाला था। जो 2 साल खराब था और 1 साल अच्छा था, मतलब 1 साल अच्छा था 2 साल खराब। तो मैंने कैसे कि आप देखो 2 साल बहुत खराब गए और 1 साल अच्छा गया होगा। टोटली मेरी लाइफ, मैंने पीछे फ्लैशबैक में गया तो मैं 1 साल वो ट्रॉफी खेलता था फिर बाहर हो जाता था इंजरी से या किसी से, फिर खेलता था फिर बाहर हो जाता था, फिर कमबैक बहुत रहा लाइफ में। और सेम बात आईपीएल खेलने से पहले मैंने पूरा कमबैक किया, हैट्रिक वैट्रिक ली, एकदम से कहीं सीन में नहीं था एकदम से आईपीएल खेल गया। तो कह रहे अब, बोले अब तो बहुत खराब है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मैं गुरुजी इंडिया कैसे खेलूंगा? बोले 2023 से पहले तो इंडिया तो कभी नहीं खेलने का। मैंने कहा 2023 में तो 35 साल से ऊपर हो जाऊंगा, फिर कहां से इंडिया खेलूंगा जब मैं 25 साल की बात कर, आज 2023 अब चल रही है, अब चल रही है। तो बोले कि ये तो इंडिया क्या होती है मुझे नहीं पता पर सक्सेस नहीं है और इतना बुरा टाइम आने वाला है कि तू शायद तेरे को लगेगा उसके लिए ये उपाय कर ले। उन्होंने मेरे को हीरा बोला, नीलम जो किसी को सूट नहीं करता उन्होंने मेरे को बोला, हालांकि मैंने अभी तक नहीं पहने, पन्ना बोला, एक ज्यादा चीज बोली। तो मैंने 2-4 के रेट भी ली, बहुत महंगे थे। तो मैंने कि मैं ऐसे बुराई समय काट लूंगा, ये वर्ड मेरे थे कि मैं बुराई समय काट लूं, कौन इतना 10-12 लाख के आ रही थी चीजें, मैं कौन महंगी चीजें थी वो, तो मैंने कौन करे। और आप बिलीव मानना मेरे भाई, उनकी एक एक बात आज पत्थर की लकीर हो गई। मैं कैसे जुटला दूं, लोग नहीं मानते होंगे पर उसकी बात है, मैं कैसे जुटला दूं। उन्होंने जो वर्ड बोले थे मेरे को, मतलब मैंने फादर खो दिए, मैं रेलवे ट्रैक पे चला गया, मैं बोल दे रहा हूँ ये वाली बात, ऐसी कंडीशन आ गई। और बट कुछ ऐसे ग्रह भी स्ट्रॉन्ग थे जिसकी वजह से मैं दूसरी तरफ गया नहीं, मेरा बुद्ध बहुत स्ट्रॉन्ग है मैं नहीं गया। तो ग्रहों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ पता नहीं। तो वहां से उन्होंने जो जो चीज बोली 2023, और आप भी शायद महसूस कर रहे होंगे अभी 22 और 20 तक मैं कुछ नहीं था। आज आप भी बैठे हैं, मैं सेलेक्टर हूँ, सारी चीजें हैं, कोच बन गया, सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? 2023 जा चुका है। एक शेखर है हमारे, शेखर राजपूत एक आदमी है, इंसान मेरे फ्रेंड ही, छोटे भाई हैं, उनसे ही बात चल रही थी कि मैंने एक दिन ऐसा चल रहा था एक मामले को लेके, तो मैंने मेरा जो बुद्ध जा रहा है ना मेरे गुरुजी ने कहा फड़फड़ा रहा है दीपक, तो मैंने देख देख के काम करने चाहिए। तो वह शायद उनको भी पता होगी क्योंकि अब मैं बिलीव करता हूँ। उन्होंने मुझसे एक चीज और बोली थी, अब पता नहीं सही होगी नहीं होगी, मैंने एक चीज पूछी थी, मैंने कि 2023 तक मैंने उन्हें मजाक उड़ाया था, अपमान इसलिए किया था कि मैंने अरे यार मेहनत करूंगा भाई, 2023 से आज पीछे 10 साल भी चले जाओ तो आज मैं 36-37 जो भी साल का हूं, तो मैं 25-26 साल का था, तो मेरा सपना था इंडिया खेलने का। तो मैंने कहा यार मेहनत करूंगा, 2 साल इंजरी खत्म हो जाएगी और मैं इंडिया खेल जाऊंगा। अब बिलीव करो इंडिया छोड़ो टीम सबके से बाहर हो गया, कहीं वो नहीं कर पाया मैं। फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा सर आप राजयोग मेरे किस्मत में बता रहे हो, तो राजयोग कैसे है? कह रहे बेटा एक ये चीजें पहन ले, इससे फर्क पड़ेगा, जो बड़े नुकसान होंगे उससे बचेगा। दूसरा चीज तू आने वाले टाइम में, भाई मजाक समझना चलना, उनके वर्ड थे कि कैबिनेट मंत्री बनने का योग। अब भाई वही इंतजार है कैबिनेट मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, बट हालांकि राजनीति का कोई मेरा वो नहीं है, बट एक उम्मीद है कि जब वो बात सत्य हो सकती है तो उम्मीद तो दुनिया कायम है, बट ऐसा परमात्मा ने जिस दिन बन जाएंगे तो दोबारा इंटरव्यू करेंगे। नहीं मैं आपको जरूर दूंगा, बट ऐसा अभी तक तो दूर दूर तक कोई सीन नहीं है राजनीति का, बट ये कि हाँ
उम्मीद है उन्होंने जब इतना 10 साल का रिजल्ट मुझे दे दिया था, हालांकि आज वो मौजूद, अब मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ, अब मैं मिस कर रहा हूँ कि आज वो शायद वो जिंदा होते तो मैं उनके पैर पकड़ लेता, क्योंकि जब वो बता सकता तो मार्गदर्शक भी कर सकता कि मंत्री कैसे बनेंगे। तो जब हमने छेड़ दिया सितार तो चीजें हैं जिंदगी की, बस जिंदगी में एक ही चीज है कि हार नहीं माननी चाहिए कभी भी किसी हालात में। लड़ते रहो लड़ते रहो लड़ते रहो, कहीं ना कहीं सवेरा जरूर होगा। हार पता चला कि जहां तुम हार मानने वाले उसके 2 कदम बाद ही सवेरा हो, सवेरा हो, फिर आपने पूरा जो हार मानने की चीजें खत्म कर ली। एक पर्सनल चीज बोलूं? कुछ भी पूछो। आरव सर है ना, कान्हा आरव शर्मा, तो मतलब मेरे सीनियर हैं और बड़े भाई जैसे हैं, आपकी स्माइल बिल्कुल वैसी लगती है वो, बिल्कुल अच्छा मिस करता हूं मैं उन्हें, तो वैसा लगा मेरे को हल्का सा। नहीं यार मतलब पर्सनैलिटी आई थिंक मैच करती है। ये तो आप तारीफ कर रहे हैं, अब वो पता नहीं कैसे हो सकता बुरे हो। तो वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं अच्छा नहीं हूं ना, मैं तो ये तो आप मुझे लग रहा है उनकी पर्सनैलिटी और सैनिटी कुछ नहीं। देखो आपके काम में आपकी पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए, आपकी खूबसूरती में कुछ नहीं है। आप कितने भी खूबसूरत हैं, अगर आपका काम करने का आपके नॉलेज नहीं है और तरीका नहीं है। अब मैं बताऊं, देखो मैंने एक बात बोली कि आप कितने भी बदसूरत हैं, चलो मैं बदसूरत किसी नहीं कहूँ, आप कितने बदसूरत हैं, अभी एग्जांपल देने वाला रोक लिया ना अपने आप को, कमांड बड़ा आदमी था वो, कितनी बदसूरत है पर आपकी जेब भरी होगी ना पैसों से, दुनिया का हर आदमी आपके पीछे पीछे भागेगा। कहाँ है बदसूरती? खूबसूरती क्या है? केवल आपका फेम, नाम और चमत्कार है। एग्जैक्टली वो वही है और कुछ नहीं है। आप लोग सोचते हैं ना कि अरे बहुत खूबसूरत है, अरे वो थोड़े, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत जोड़े की कभी नहीं बनती, देख लेना आप, जितना खूबसूरत जोड़ा होगा वो कभी नहीं बनेगी। होता भी ऐसा, अरे प्लस माइनस वो गणित में होता ना, वो बिगड़ जाते हैं, तो वो सब है साइंस की, परमात्मा ने जो चीजें बनाई है सब मिल बांट के सारी चीजें बनाई है। और आजकल चीजें भी हैं, अच्छा मैं थोड़े से मेंटोर का भी काम करता हूँ, लोगों को बताने का भी काम करता हूँ, कोई आपका सवाल रहता ना जब लाइफ में, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, बहुत नहीं आया पर जितना आया आपके लिए बहुत है, इतना पता है बहुत है कि, और अगर जो चीज आप मेरे एक्सपीरियंस से ऊपर पूछोगे तो मेरे लिए वो रिसर्च का विषय है, फिर इस पर मैं सोचूंगा और सोचूंगा तो कहीं ना कहीं आएगी चीज। तो कभी कोई जिंदगी में अगर लगता है कि मैं कहीं, देखो दो ही चीजें, या तो किताब पढ़ो या अच्छे व्यक्ति से बात करो, बात करो, तो आप अगर किसी भी चीज को पूछेंगे, बात करेंगे, कोई आपकी समस्या है किसी तरह, हो सकता है कि मैं 90% आपको उसमें सहूलियत दूं, पर मेरी बात मानना, मैं आपको उस माहौल से निकाल के ले आऊंगा। और वो कहते हैं ना एक अच्छा दोस्त है अच्छा मेंटर है, लाइब्रेरी के बराबर मानते, हाँ मानते नहीं लोग, क्या है ना सुनते समय, देखो एक बार क्या होता है कि जैसे दो आदमी बात चल रही हो, जब नॉर्मल बात चलती है तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट हम लोग जब बताते हैं तो हम सुनते नहीं, हम अपना जवाब देने के लिए पहले दिमाग में तैयार रखते हैं कि ये बोल रहा है इसको मैं जवाब दूं, पहले वो बोल रहा है उसकी सुन तो ले, अरे 50% सुन ले वो क्या बोल रहा है, उसको समझ और थोड़ा सा अप्लाई कर ले, पता चले। बड़े बड़े वृद्ध हमारे जो माता पिता हैं, दादी होती हैं, बड़े जो संत होते हैं, आजकल प्रेमानंद जी महाराज बहुत बड़ा आदरणीय है, वो केवल एक ही चीज बता रहे हैं कि राधा रानी के जब भगवान के सार में तो कुछ नहीं है जीवन में, वही सब कुछ है। परमात्मा ने क्यों भेजा? नीचे आओ, जमीन पे आओ, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, परमात्मा में लीन हो जाओ, मोह माया त्याग दो। हम मोह माया में लीन हो गए, कर्तव्य भूल गए और परमात्मा को भूल गए, भूल गए तो कहानी तो उल्टी होगी, तो कलयुग तो यही है। सीधी बात है, मैं आपसे कहूं आप निकल के जा रहे हैं, अगर केले का छिलका पड़ा है तो आप क्या करेंगे? उठाएंगे वो साइड में करेंगे? यही तो है। एग्जैक्टली लोग निकल जा रहे हैं आज के कलयुग में, ध्यान नहीं दे रहे हैं, गलत हो रहा नहीं कर रहे हैं, पर केवल आदरणीय परमानंद जी महाराज जी जो वो सब उनको अवेयर कर रहे हैं कि ये तुम्हारे कर्तव्य हैं। देखिए भी आप कर्तव्य, माइंड क्या ना केवल बटन दबाने के देर है, सब पता है कि केले का छिलका उठा के साइड में रखना होता है, बट कोई नहीं है, आप एक सत्संग में बिठा दीजिए, वहां से बाहर निकलोगे दो घंटे तक तो आप सब धार्मिक ही बने रहोगे, और जैसे ही बाहर की दुनिया मोह माया में आओगे आप सब भूल जाओगे केले का छिलका कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, दुश्मन पैसा क्या उधार ये सब में आ जाओगे। तो वहां की जो बाहर की चीजें है उससे कंट्रोल बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे स्पीकर है आप, बहुत अच्छे स्पीकर। नहीं सोच रहा हूँ क्या पूछूंगा आप, बहुत लंबा हो जाएगा, तो चीजें कम नहीं है, बस ऐसे ही है। और सारे मैं चीजें बहुत सारी आती है, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान के अंदर सच बोलना मतलब किसी को आघात पहुंचाने के बराबर है, पर आदमी ये नहीं देखता कि सच वो किस वजह से बोल रहा है। आदमी एक दूसरे का केवल स्वार्थ के लिए काम, पहले क्या होता था आपने देखा होगा कि हमने सुनते थे
क्योंकि बड़ा बूढ़ा किसी के साथ किसी काम के लिए जाता था ना, अरे यार वो बोरा बड़ा आया आदमी उस काम करना है। आज आदमी कोई किसी काम के लिए आता कितने लाया है, कैसे कराएगा, कितने देगा, कितने देगा, संबंध व्यवहार सब खत्म, कोई मतलब नहीं होता। अरे यार क्या पैसा ही सब कुछ है, मानता हूँ पैसा सब कुछ है बट उतना सब कुछ नहीं है कि आप ऊपर वाले जवाब क्या दोगे। कोई भी चीज गलत नहीं है, तो चीजें हैं। आप मैं बता रहा हूँ कभी भी आप कभी भी फ्री टाइम में के टॉक्स भी मैंने केवल क्रिकेट के लिए तो बनाया है बट जनरली कोई भी सवाल हो। आजकल जैसे ट्रैफिक का एक बड़ा मुझे बड़ा गंदा लगता है, लोग बड़ी बातें करते हैं, गवर्नमेंट पे बातें कर देते हैं, इस पे बातें कर देते हैं कि इसको नहीं आता, कमियां निकालते, अरे खुद एक्टिवा लेके बीच में घुसड़ देता है। हमारे आगरा के अंदर एक हादसा हुआ ऑटो वाले का, अभी ऑटो फंस गया बीच में और दो ट्रकों के बीच में आके उसमें 5-6 लोग मर गए। कल की बात है साहब? हाँ कल परसों की बात है, हमारा था तभी साहब। हाँ अभी देखो मेरे एक बात सुनो, कितना उसमें लोगों ने अरे ये हुआ वो हुआ। तो हम पहले अपने आप को बदलेंगे तब दूसरी तरफ जाएंगे, टॉपिक तो बहुत सारे हैं। नहीं मैं तो देखो क्रिकेट तो मेरा सर्वप्रथम है और मैं कोशिश यही करता हूँ, अभी शुरू भी कर दिया है काम कि लोगों को मोटिवेट करना, उनके माइंड सेट करना, एवरी फील्ड किसी में भी किसी भी जरूरत है, यूथ को बहुत जरूरत है। आप बहुत टेंशन है पढ़ाई की, आज देखो आप अभी बहुत सारे टॉपिक है भैया, बहुत सारे पढ़ाई का हिंद बना रखा है बच्चों को। सुबह 6 बजे उठेगी माँ, 5 बजे उठ के तैयार करेगी, सब कुछ करेगी, बच्चा 7 बजे चला जाएगा स्कूल, 2 बजे 2:30 बजे आएगा, खाना खाते ही ट्यूशन भगा देंगे, ट्यूशन भगाते ही दूसरा डांस क्लासेस या फिर वो कोई अकेडमी क्रिकेट की या कहीं, भाई उसे रिलैक्स कहाँ है। अच्छा तुम बता दो जो जो ये कर रहे हैं तुम कितना पढ़ लेते थे बता दो, या हम कितने पढ़ लिए, क्या कमी भाई नौकरी है, नौकरी नहीं है क्या, मान सम्मान नहीं है भाई, हराम खोरों का तो कहीं भी कुछ नहीं है, वो तो सीधी बात है। बट उतना ही पढ़ो उतना ही करो जो चलना है, ऐसा नहीं कितने टॉपर बता दो दिन रात करते हैं कुछ भी नहीं कर पाते जीवन में, नहीं बिल्कुल कर पाते, बता दो कितने। बट प्रेशर माइंड में बच्चों के इतना डाला जा रहा है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बच्चा बाहर खेलने नहीं भेज सकते हम डर के मारे। मैं आफ्टर 12th मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। कहाँ हुआ आप देख लीजिए खुद देख लीजिए, अरे बड़े बड़े तुम मैंने जानते बिल गेट्स और ये सब देख लीजिए कहाँ है वो, कितने बड़े हैं। अभी एक तारे जमीन पे मूवी बहुतों ने बहुत बार देखी पर मैंने लगा मैं देखूं, मैंने देखा उसमें किसी का जिसने बिजली का आविष्कार किया। तो भाई पढ़ाई जरूरी है पर इतना नहीं कि दिमाग में घुसेड़ देना, वो आजकल पेरेंट्स यही करना। एक मंच पे भी मैं यही बोल के आया था कि एक चीज, हाँ एक चीज और बोलूंगा, ये जो फोन भैया मेरे पेरेंट्स अपने बच्चों को मत दो, ले खेले रोटी बना लूंगी, ये मत करो, काम थोड़ी देर बिजी रहेगा ये मत करो, अरे यार रोने दो, इससे बढ़िया रोता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, उसका गला साफ हो जाएगा, आंखें साफ हो जाएंगी। भैया ये कर दे दिया ना, देखो यार ये फोन 10-15 साल से सक्सेस हुए और इसके उदाहरण आपको कैंसर कितने सारे दिख रहे हैं। अभी भी एक लेटेस्ट सर्वे आया कि 2000 लोग एक साथ कैंसर के पाए गए आगरा के अंदर, सब जगह का हुआ है। तो ये सब रेडिएशन खान पान सब बढ़ रहा है, अभी फोन तो इतना हानिकारक है। हम मैं खुद मैं कहता हूँ मैं भी भाई मैं इतना धर्मात्मा, कभी कभी मैं भी फोन बहुत ज्यादा यूज कर जाता हूँ, ऐसा नहीं है बट कोशिश करता हूँ कम करूं, कम कम 2 घंटे के लिए दिन में बनाओ, 2-3 घंटे के लिए फोन सब साइड में रख दो और बैठ के बात करो, ये चीज बनाओ ना, ये नहीं बनाते पर फोन दे देते हैं, बच्चा लगाई हूँ रात रात कर रहा है क्या कर रहा है, अपनी आंखें गई, आज चश्मे का रेशो सबसे ज्यादा है, हर बच्चे के चश्मा है, एटलीस्ट मेरे बच्चे को मेरी धर्मपत्नी जी ने करवा दिया। मैं खुल के बोलता हूँ भाई कल लड़ेंगे कोई बात नहीं, बट ये देंगे। अब बाहर की जिंदगी कहाँ है, यही पबजी यही गेम यही सब कुछ बाहर, क्या पहले हम दिन रात धोरक डंडा गिल छीपम खाए ये सब खेलते रहते थे। जब ये आज सही है, आज के बच्चे देख लो भाई जब से फोन आए 10 साल से, अब हमें साइड इफेक्ट देख रहे हैं, आने वाले हमारी पीढ़ी इस फोन की वजह से 30-40 साल ही क्रॉस कर जाए, बहुत बड़ी बात समझ लेना, बहुत बड़ी, मैं ये आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये बहुत हानिकारक चीज। हम जी हमारे से पूरे 100 साल जी गए, हम 60 साल जी जाए, बहुत बड़ी आने वाली पीढ़ी 30 साल जी जाए, और कलयुग में कहा कि इंसान की 12 साल की उम्र होगी, वो सच बात है भैया, ऐसा उल्टा सीधा शुरू हो गया। तो कुछ लास्ट टाइम कुछ यूथ क्रिकेटर जो है कुछ बताना चाहें उनके, कुछ कहना चाहें कुछ शॉर्ट में। क्रिकेटर को मैं शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, आजकल के पेरेंट्स को बहुत दिमागदारी बनना चाहिए, वो दिमाग से काम नहीं ले रहे हैं पेरेंट्स आजकल, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, पेशेंस रखिए। क्लास आप लोग पेरेंट्स आप क्या करते हैं कि एक बच्चा जब स्कूल में डालते हैं तो 12th तक तो इंतजार करते हैं, उसके बाद ही तो कुछ कराते हैं, पर अकेडमी में डालते हैं तो 2 साल में ही रणजी ट्रॉफी चाहिए, 2 साल में इंडिया चाहिए, IPL खेलना चाहिए, तो तुम बहुत बड़ी गलती करते हो। तो आपका पेशेंस बहुत जरूरी है, अच्छे कोच का चुनाव बहुत जरूरी है,
और शॉर्टकट मत अपनाओ, पेरेंट्स को देसी रखो, मतलब देसी मतलब लाइफस्टाइल नॉर्मल, ये सब प्रोटीन प्रोटीन ये सब चीजों मत फंसाओ, बाहर की दुनिया ज्यादा दिखाओ और माइंडसेट अच्छा रखो, पॉजिटिव सोचो। खिलाड़ी जितने भी चाहे वो सेम एज ग्रुप से नीचे ग्रुप का हो, पॉजिटिव सोचो। और प्लेयर्स को एवरी डे अपने आप में डे बाई डे इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में या काम में या सोच में कमी आ रही है, तो वो सब काम करने हैं। और बहुत सारी चीजें फिर कभी मिलेंगे, थोड़ा बहुत पिछली बार के लिए सोच दे छोड़ देते हैं हम लोग, हर बार आज ही सब बोल देंगे तो बचेगा कुछ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आप काफी दूर से आए आपको अपनी टीम के साथ, और मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपकी जो करना चाहिए मतलब नहीं, दिल से शुक्रिया कैसे करूं। और बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगा मैं नारद टीवी का, जिसके सौजन्य से हम लोग बैठे और चर्चाएं की। अनुराग सर फाउंडर है। अनुराग सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे पे विश्वास जताया और शायद आपको चीजें अच्छी लगी होंगी और आगे भी अच्छी मिलेंगी। और मैं अपने व्यूअर्स और आपके व्यूअर्स से एक ही चीज कहूंगा कि अगर कुछ एक्सपीरियंस लेना है तो मेरे केके टॉक्स चैनल पे जरूर आए, कोशिश करूंगा आपके कहीं ना कहीं दिमाग को सेट करने के लिए, और कोशिश करूंगा जितना मेरे अंदर है कि आपको आगे बढ़ने से कोई ना रोके और चीजें सरल लगने लगे। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू नारद टीवी, थैंक यू प्रशांत जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत आपने टाइम दिया इतना रात को, आप अभी फ्लाइट से आ रहे थे और टाइम दिया। नारद टीवी को अपना कीमती समय देने के लिए केके जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दर्शकों, हम आपसे वादा करते हैं कि अब ऐसे ही प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, तो तैयार रहिएगा, मिलते हैं जल्द ही अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।